में उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिक बंधुओं, इस रेल कोच फैक्ट्री को चलाने वाले सभी संचालक साथियों, विवेकानंद विचार मंच और उसको आगे बढ़ाने वाले मेरे सभी सहयोगियों, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं कि आपने शहीद आजम भगत सिंह के बलिदान दिवस की पूर्व संध्या पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे आपसे कुछ संवाद करने का, विचार प्रस्तुत करने का मौका मिला। मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं विवेकानंद विचार मंच का, जिन्होंने ये सब आयोजन किया। आपका विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने घर में से आज का कुछ समय निकाला और यहां आप सब उपस्थित हुए। और मेरे सहयोगी श्री यज्ञदत्त जी, सुरेश भाई, राकेश जी, ये सब जो पिछले कई दिनों से मेरे साथ हैं, उनका भी आभारी हूं कि उन सब के सहयोग से मैं आपके साथ, आपके सम्मुख पहुंच सका। भारत देश में 6,32,000 क्रांतिकारी हैं जो शहीद हुए, 6,32,000 क्रांतिवीर थे जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए शहादत दी। भगत सिंह उनके सर्वोच्च शिखर पर हैं, ऐसा पूरा देश मानता है। शहीद आजम का खिताब भगत सिंह को मिला, ऐसा पूरे देश की तरफ से उनकी यह भावना है। कल 23 मार्च को पूरा भारत देश उनकी शहादत का स्मरण करेगा, उनको श्रद्धांजलि देगा। भगत सिंह जी की शहादत के बारे में आप सब बहुत कुछ जानते हैं। छोटी सी एक जानकारी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि श्री ब्रजमोहन जी ने जो जानकारियां दी उसके साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उन जानकारी को और आगे बढ़ाने वाली है। अंग्रेजों की सरकार ने 24 मार्च 1931 का दिन तय किया उनको फांसी देने का, लेकिन एक दिन पहले फांसी क्यों दी, उसकी कहानी अगर आप सब जाने तो बहुत अच्छा होगा। अंग्रेजों की सरकार ने सरदार भगत सिंह को एक दिन पहले ही क्यों फांसी के फंदे पर लटका दिया, बिना किसी को बताए, बिना किसी को जानकारी दिए हुए? क्यों अंग्रेजों की सरकार ने अपने ही कानून और नियम का उल्लंघन किया भगत सिंह जी को फांसी देने में? नियम और कानून का उल्लंघन क्या था? आप जानते हैं कि अंग्रेजों की सरकार दुनिया के जिन भी देशों में चली और वहां पर उन्होंने फांसी देने के लिए जो नियम कायदे कानून बनाए, उनमें से एक नियम यह है कि किसी को भी फांसी दी जाती है तो सुबह के समय दी जाती है। सुबह का समय फांसी देने के लिए निश्चित किया हुआ है, दुनिया के सभी देशों में इसका पालन होता है। आपको थोड़े दिन पहले याद होगा इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन को भी फांसी दी गई तो सुबह का ही समय। सारे दुनिया के सभी देशों में यह नियम लागू है, और आज से नहीं, लगभग 100-125 वर्ष से। अंग्रेजों के देश में भी यही नियम था कि फांसी सुबह दी जाती है और दी जानी चाहिए। तो 24 मार्च को सुबह उनको फांसी देने का समय था, 6 बजे के आसपास, लेकिन 23 मार्च की रात को ही फांसी हो गई, बिना किसी को बताए। कारण इसके पीछे जानना चाहिए। मैंने भारत देश के जो शहीद हैं, भगत सिंह, ऊधम सिंह, चंद्रशेखर, सुभाष चंद्र बोस, अशफाक उल्ला, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना फडणवीस, ऐसे 6,32,000 क्रांतिवीरों के बारे में कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए हैं, और वो दस्तावेज भारत में नहीं मिले, लंदन से मिले, हाउस ऑफ कॉमन्स की लाइब्रेरी, अंग्रेजों की संसद में से। तो भगत सिंह जी के बारे में जो दस्तावेज मिला वो ये बताता है कि अंग्रेजों की सरकार बहुत घबराई हुई थी। भगत सिंह जी को फांसी होने से अंग्रेजों की सरकार बहुत घबराई हुई थी। मेरा माताओं बहनों से निवेदन है कि ये दो बच्चे हैं, इनको या तो अपने पास बिठा लें। भगत सिंह जी को फांसी देने से अंग्रेजों की सरकार बहुत घबराई हुई थी, वो दस्तावेज ये बताते हैं। अंग्रेजों की संसद में विशेष अधिवेशन बुलाया गया और उस पर चर्चा हुई।
चर्चा दो स्तर पर थी। एक तो यह था कि क्या भगत सिंह की फांसी को माफी दी जा सकती है। अंग्रेजों की संसद के अंदर कुछ सांसद थे जो ये बात कह रहे थे जी। उनका कहना क्या था? उनका कहना यह था कि अगर भगत सिंह जी को फांसी हो गई तो भारत में बगावत हो जाएगी और हिंदुस्तान में एक नहीं ऐसे हजारों भगत सिंह आ जाएंगे, अंग्रेजों की सरकार को उन सबको दबाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम हिंदुस्तान में राज नहीं कर पाएंगे, हो सकता है कि हमको एक दो महीने के अंदर ही भारत छोड़ना पड़ जाए, ऐसा उनको लगता था। कारण उसका क्या था? अंग्रेजों की सरकार के लिए जासूसी करने वाली एक संस्था जो उन्होंने भारत में बनाई थी, जो आज भी चलती है, जिसको आप बोलते हैं LIU, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, ये अंग्रेजों की बनाई गई संस्था है। तो LIU की रिपोर्ट जा रही थी यहां से नियमित रूप से। आप जानते हैं कि फांसी की सजा देने का फैसला तो हो गया था लगभग 2-2.5 साल पहले, और उन 2-2.5 सालों में लगातार यहां से रिपोर्ट जा रही थी LIU की, और वो रिपोर्ट ये कह रही थी कि अगर भगत सिंह जी को फांसी होती है तो सारे भारत में एक साथ बगावत होगी और अंग्रेजों को मुश्किल हो जाएगा राज चलाना। तो अंग्रेजों की संसद में इस बात का बहुत डर था। उसी समय संयोग से 1930 और 31 में महात्मा गांधी लंदन गए हुए थे अंग्रेजों की सरकार से वार्ता करने के लिए। अंग्रेजों का उस समय का जो सबसे बड़ा नेता था, व्यक्ति था, लीडर था, वो इरविन था। इरविन के साथ गांधी जी की बात जब चल रही थी तो इरविन ने गांधी जी को कहा कि आप अगर चाहें तो हम भगत सिंह की सजा को माफ कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा बिना शर्त? तो उन्होंने कहा नहीं, बिना शर्त तो नहीं, शर्त है उसकी। शर्त क्या है? तो गांधी जी के सामने इरविन ने कहा कि देखिए हमारी एक ही शर्त है कि आप भगत सिंह जी को निवेदन करें, अपील करें कि वो एक माफीनामा लिखें, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैंने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की है, मुझे इसका बहुत अफसोस है, दुख है, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूंगा, इस तरह का एक माफीनामा लिखें और भगत सिंह जी के हस्ताक्षर उस पर हों और मेरे सामने आप उसे प्रस्तुत करें। ये इरविन कह रहा है गांधी जी से। तो मैं अपनी संसद को कहूंगा कि वो एक स्वर से भगत सिंह की सजा को माफ करे। गांधी जी ने कहा कि मैं ऐसी कोई भी शर्त मान नहीं सकता जिसके बारे में भगत सिंह जी का कंसेंट मेरे पास ना हो। तो इरविन ने कहा कि आप भगत सिंह जी का कंसेंट ले लीजिए, समय आपके पास है, एक साल का वक्त है। तो गांधी जी ने कहा कि मैं अभी तुरंत थोड़ी 2-4 दिन की आपसे मोहलत चाहता हूं, मैं एक टेलीग्राम करूंगा, मेरे एक मित्र को टेलीग्राम करूंगा, वो लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह जी को मिलेगा और आपने जो कहा है मैं वो भगत सिंह जी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, अगर बात बनती है तो हम इस पर आगे जाएंगे। गांधी जी ने एक टेलीग्राम किया, भारत देश के एक अच्छे व्यक्ति, महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका नाम था तेज बहादुर सप्रू, अलाहाबाद हाईकोर्ट में बहुत ऊंचे वकील माने जाते थे, कश्मीरी थे। गांधी जी का टेलीग्राम सप्रू जी के पास आया और कहा कि तुरंत जाओ लाहौर जेल में, भगत सिंह जी को मिलकर आओ और पूछो कि इरविन ऐसा कहता है कि आप एक माफीनामा लिखकर दो तो आपकी सजा फांसी की माफ की जा सकती है। सप्रू जी जब पहुंचे भगत सिंह जी को मिलने के लिए और ये जानकारी उन्होंने जब भगत सिंह जी के सामने दी तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई भी शर्त अंग्रेजों की मंजूर नहीं है, मैं नहीं मानता कि मैंने कोई गलत काम किया है, इसलिए माफीनामा लिखने का कोई प्रश्न नहीं है। सप्रू जी ने एक दूसरे तरह से उनको समझाया कि भगत सिंह जी अगर आपकी फांसी रुक जाएगी, आप जेल से छूट जाओगे, तो आपके जैसे कितने क्रांतिवीरों को आप ट्रेनिंग दे सकते हो, तैयार कर सकते हो, भारत की आजादी जल्दी आएगी। तो भगत सिंह जी ने उनकी बात को काटते हुए कहा कि नहीं, उल्टा होगा, अगर मैं छूट गया, मेरी फांसी की सजा माफ हो गई, मैंने ये माफीनामा लिखकर दे दिया, तो भारत में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत का ये जो अभियान शुरू हुआ है, ये पूरा अभियान ही ठंडा पड़ जाएगा, दूसरा कोई भगत सिंह इसमें से निकलकर नहीं आएगा। सप्रू ने कहा क्यों? तो भगत सिंह ने कहा कि हिंदुस्तानियों की एक खासियत है, भारतवासियों की एक खासियत है कि वो मरने से नहीं डरते हैं, लेकिन मरने से पहले का जो दर्द होता है उसको वो सह नहीं सकते।
ये बहुत गहरी बात उन्होंने कही। मरने से तो नहीं डरते हैं, एक मिनट में मृत्यु आ जाए कोई हिंदुस्तानी को उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मृत्यु आने के पहले का जो दर्द होता है वो उनकी तकलीफ बढ़ा देता है। मैं भी ऐसा ही एक हिंदुस्तानी हूं, मैं मेरी तकलीफ बढ़ाना नहीं चाहता, मैं तय कर चुका हूं कि मुझे फांसी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। सप्रू जी का दूसरी बार तीसरी बार तीन बार आना हुआ लाहौर सेंट्रल जेल में सिर्फ ये समझाने के लिए, उन्होंने देख लिया कि वो तैयार नहीं है और फिर सप्रू जी ने वापस गांधी जी को टेलीग्राम किया कि बापू भगत सिंह जी का ये मानना है कि उनको फांसी हो जाए, वही भारत देश के लिए और उनके अपने संकल्प के लिए अच्छा है। आप लिहाजा इरविन के साथ कोई बात अगर करें तो माफीनामे का शब्द बीच में ना लाएं, क्योंकि वो लिखने को तैयार नहीं है और हम में से भी कोई नहीं चाहता कि वो माफीनामा लिख कर दें, क्योंकि मानते हैं हम उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, उन्होंने अपने भारत की आजादी के लिए किया है। भारत इस समय ठंडा पड़ा हुआ है, शब्द पर ध्यान दीजिए। सप्रू जी का गांधी जी को टेलीग्राम, कह रहे हैं भारत इस समय ठंडा पड़ा हुआ है। 1919 में एक ज्वाला उठी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी समय हम चाहते तो अंग्रेजों को भारत से मार के भगा देते, लेकिन हमने उस अवसर का फायदा नहीं उठाया। ऐसी ही ज्वाला 1857 में उठी थी, भारतवासियों ने तब भी उसका पूरा लाभ नहीं उठाया, हम चाहते तो 1857 में अंग्रेजों को मारकर भगा देते। फिर वो कहते हैं ऐसी ही एक ज्वाला 1880 में उठी थी, हम चाहते तो 1880 में अंग्रेजों को मार भगा देते, लेकिन वो भी समय हमने गंवाया। अब फिर से ज्वाला उठने की तैयारी है, इसको ठंडा मत होने दीजिए और कृपया करके इरविन के साथ भगत सिंह जी के माफीनामे पर बातचीत बंद कर दीजिए। गांधी जी को टेलीग्राम मिला, लंदन में उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उस मीटिंग में वो सब क्रांतिवीर शामिल थे जो लंदन में रहकर भारत की आजादी की लड़ाई के लिए काम करते थे। उनके सबसे बड़े नेता थे श्याम जी कृष्ण वर्मा, आप सभी जानते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा भवन बना के दिया लंदन में, जहां पर क्रांतिवीर जाते थे, इकट्ठे होते थे, ट्रेनिंग चलती थी, वैचारिक मंथन होता था, सोने ठहरने रहने का इंतजाम होता था। उसका नाम उन्होंने बहुत सुंदर रखा था इंडिया हाउस। इंडिया हाउस श्याम जी कृष्ण वर्मा ने अपने खुद के कमाए गए पैसे से बनाया था। इसी श्याम जी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस में भगत सिंह जी के बारे में आखिरी मीटिंग हुई, जिसमें वो खुद मौजूद थे और उनके जैसे कई और क्रांतिकारी मौजूद थे। सबसे पूछा गया कि इरविन का प्रपोजल है, क्या करना है? तो उन्होंने कहा कि इरविन बहुत चालाक आदमी है और अंग्रेजों की सरकार बहुत खतरनाक है, भगत सिंह को माफीनामा वो देना चाहते हैं लिखवा कर अपनी सुरक्षा के लिए, भारत की आजादी के लिए नहीं, क्योंकि अंग्रेजों को डर है कि अगर भगत सिंह को फांसी हुई तो बगावत इतनी बड़ी है, व्यवस्था उलट जाएगी, सेना में बगावत हो सकती है, आर्मी में बगावत हो सकती है, एयरफोर्स में बगावत हो सकती है, नेवी में बगावत हो सकती है, पुलिस में बगावत हो सकती है, क्योंकि आप जानते हैं कि भगत सिंह का मुकदमा जितने दिन इस देश में चला उतना ही उनकी लोकप्रियता बढ़ती चली गई, और भगत सिंह जी की लोकप्रियता भारत नहीं, भारत के बाहर जो रहने वाले भारतवासी थे वहां तक पहुंच गई। तो उस लोकप्रियता से अंग्रेज डरते थे, इसलिए उन्होंने संसद में एक विशेष बैठक बुलाई और उसमें उन्होंने फैसला किया कि अगर भगत सिंह जी को फांसी हुई तो उनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो उनका शरीर मांगेंगे, मृत शरीर मांगेंगे, और उस मृत शरीर को जुलूस की तरह से वो एक प्रोसेशन के रूप में निकालेंगे, सम्मान सहित उनका अंतिम संस्कार करेंगे, और ऐसी भावना भड़केगी अंग्रेजों के खिलाफ कि शायद पंजाब से हमें भागना पड़ जाए, हो सकता है कि एक बहुत बड़ा भारत हमें खाली करना पड़ जाए। तो अंग्रेजों की संसद में जब ये सब तरफ से बहस हो गई, एलआईयू की रिपोर्ट भी आ गई, और एलआईयू की आखिरी रिपोर्ट थी कि अगर भगत सिंह जी को फांसी होती है और उनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ नागरिकों को करने का मौका मिलता है, समय मिलता है, तो ये तय है कि पूरा पंजाब जलेगा और अंग्रेज सरकार बचा नहीं पाएगी अपने आप को, क्योंकि अंग्रेज सरकार के नीचे काम करने वाले जो हिंदुस्तानी हैं उन्होंने संकल्प ले रखा है कि वो बगावत शुरू करेंगे। एक एलआईयू ऑफिसर ने तो यहां तक लिख दिया कि 1857 में
भारतवासियों से एक गलती हो गई थी, वो हमारे लिए बड़ी अच्छी हुई और भारतवासियों को भारी पड़ी। वो गलती क्या थी आप जानते हैं, 1857 का जो क्रांति वाला संग्राम था उसको एक साथ शुरू करने का फैसला हुआ था और उसकी एक तारीख तय की गई थी, लेकिन हमारे भारत के अति उत्साही क्रांतिकारियों के कारण उस तारीख से लगभग 10-11 दिन पहले ही बगावत शुरू हो गई। तय हुआ था एक दिन, वो था 10 मई 1857, लेकिन कहीं पर 30 अप्रैल, कहीं पर 1 मई, कहीं पर 2 मई, इस तरह से अलग अलग बगावतें शुरू हो गई। बैरकपुर की छावनी में अलग तारीख को, कलकत्ता में अलग को, मेरठ में अलग, दिल्ली में अलग। तो ये जो अलग अलग शुरू हुआ, इससे अंग्रेजों ने आर्मी की ताकत से उसको दबा लिया। जो एक साथ 10 मई को शुरू होता तो अंग्रेजों की ताकत नहीं थी कि वो उसको दबा पाते। तो LIU के एक ऑफिसर ने लिखा ब्रिटिश पार्लियामेंट को कि जो गलती हो गई हिंदुस्तान के लोगों से 10 मई 1857 को, वो गलती अब वो ठीक करना चाहते हैं। भगत सिंह की फांसी का दिन तय किया हुआ है, उसी दिन सारे देश में एक साथ बगावत होगी अंग्रेजों के खिलाफ, तो आप कुछ ऐसा करिए कि ये बगावत ना होने पाए। तब अंग्रेजों की पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित करके भारत में अंग्रेजों के अधिकारियों को बोल दिया गया कि किसी भी तरीके से पता ना चले लोगों को, ऐसे करके फांसी दे दीजिए। तो यहां जेल के अधिकारियों ने लाहौर के सुपरिंटेंडेंट से कहा कि इसका एक ही विकल्प है कि हम एक दिन पहले रात में ही भगत सिंह को फांसी पर लटका दें। फिर सुपरिंटेंडेंट ने पूछा फिर, तो फिर उसने कहा कि फांसी पर लटकाने के 2-3 मिनट में मृत्यु हो जाएगी, हम उनके शव को लेके जाएंगे और जेल के बाहर कहीं भी कोई स्थान पर आग लगा के जला देंगे, रात भर में शव जल जाएगा, सुबह तक लोग जब आएंगे फांसी की इस समय पर, तब तक उनको राख मिलेगी। इस चालाकी और कुटिलता के साथ 23 मार्च की रात को उनको फांसी पर लटका दिया। और जैसे ही फांसी पर लटकाया तो मृत्यु होने के बाद उनके शव को एक ट्रक में रखकर जेल से बाहर निकाला, और उस ट्रक को चलाने वाला जो ड्राइवर था उसको बताया नहीं गया कि इसमें क्या जा रहा है। उसको यह कहा गया कि तुमको यह ट्रक लेके जाना है, पीछे ट्रक में कुछ लोग बैठे हैं, उनसे बात नहीं करनी है, वो कुछ काम करेंगे, आपको उनके साथ कुछ सहयोग करना है, संवाद नहीं करना है। ट्रक के ड्राइवर को शक हो गया कि ऐसा क्या है कि मैं बात नहीं कर सकता। वो ट्रक का ड्राइवर अक्सर जेल के लिए सब्जियां लेके आता था, अक्सर जेल के लिए सामान लेके आता था। उसके मन में शक पैदा हो गया और उसने किसी तरह से यह जानने की कोशिश की कि आखिर मामला क्या है। जब उसने ट्रक को दौड़ाना शुरू किया, चलाना शुरू किया, तो एक जगह बहाने से उसने रोका कि कुछ इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हुई है, मुझे जरा ठीक करने में समय लगेगा। वो ट्रक से उतरा, घूमकर पीछे गया और उसने ये जानने की कोशिश की कि ये माजरा क्या है, तो उसको समझ में आ गया कि कोई मृत शरीर है जिसको मैं ट्रक में रख के ले जा रहा हूं। तो पीछे बैठे हुए सिपाहियों से उसने पूछा कि ये क्या है, कपड़े में लिपटा हुआ। तो उन्होंने कहा तुमको क्या लेना देना, नहीं मुझे जानकारी दे दो, तुम भी भारतवासी हो, मैं भी भारतवासी हूं, हमारी तकलीफ यह है कि पेट के लिए नौकरी करनी पड़ रही है अंग्रेजों की, तो बता दो ये क्या है। तब उनमें से एक व्यक्ति फूटा और उसने कहा कि ये भारत के सरदार भगत सिंह का शव है। तो वो ट्रक वाला परेशान हो गया, उछल गया, ये कैसे है, कल फांसी होने थी। तो उन्होंने कहा नहीं, अंग्रेज सुपरिंटेंडेंट ने रात को ही फांसी दे दी है, अब क्या करना है। तो अब हमें आदेश है सिपाही और ट्रक ड्राइवर को कि कहीं पर लकड़ियां मिल जाए तो किसी पानी के किनारे, नदी के किनारे इसको जला देना है। फिर उस ड्राइवर के समझ में सारा खेल आ गया, उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा कोई स्थान चुनने की कोशिश करूंगा जहां पर हम ये सब कर सके। इतनी देर में उसने योजना बना ली, लाहौर से ट्रक को भगाता हुआ वो लाया और कहां पर, हुसैनीवाला पहुंचा। हुसैनीवाला आप सब जानते हैं अमृतसर के नजदीक है, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे है। हुसैनीवाला में जब वो पहुंचा तो लकड़ियां इकट्ठी करनी है, इस बहाने से आसपास के गांवों के लोगों को जाके उसने बोलना शुरू किया कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब लोग वहां से दौड़े और लोगों को दौड़ाते दौड़ाते वो लेके आया वहां तक,
तो वो अंदर बैठे हुए सिपाही छोड़कर भागे और भगत सिंह जी के शरीर को सम्मान के साथ हुसैनीवाला में अंतिम संस्कार करने का उस ट्रक ड्राइवर ने बहुत बड़ा पराक्रम किया। अंग्रेजों की सरकार ने भगत सिंह को एक दिन पहले फांसी सिर्फ इसलिए दी कि उनको डर था कि बगावत हो जाएगी और हम यहां रह नहीं पाएंगे। इस छोटी सी घटना का गंभीर विश्लेषण अगर हम करें, अंग्रेजों की पूरी सरकार अकेले सरदार भगत सिंह से इतनी घबराई हुई थी कि फांसी हो जाए तो बगावत हो सकती है। घबराहट इतनी अधिक थी अंग्रेजों में एक भगत सिंह के कारण। और संसद में जब जब भगत सिंह के बारे में चर्चा हुई तो अंग्रेज अधिकारी जिन्होंने भगत सिंह को नजदीक से देखा वो कहते थे कि वो आदमी है मरने से नहीं डरता है। और ऐसे हिंदुस्तान में लाखों क्रांतिकारी हैं जो मरने से नहीं डरते हैं। हिंदुस्तानियों को मरने का डर दिखाकर गुलाम बनाना बहुत मुश्किल है, कोई और रास्ते हमको तलाशने पड़ेंगे। तो अंग्रेजों की संसद की यह बहस और भगत सिंह जी का अंतिम संस्कार जो ट्रक ड्राइवर के द्वारा किया गया, हुसैनीवाला आज भी भगत सिंह जी की समाधि है, आप कभी भी जाएं वहां जरूर मत्था टेक कर आए। अंग्रेजों की सरकार ने सरदार भगत सिंह जी को फांसी दी, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी, खुदीराम बोस को फांसी दी, चंद्रशेखर आजाद को अपनी ही गोली से मारने पर या मरने पर मजबूर किया। आखिर अंग्रेजों की सरकार को इन क्रांतिकारियों से तकलीफें क्या थी? एक ही तकलीफ थी कि हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों ने संकल्प ले लिया था कि इन अंग्रेजों को इस देश में हम रहने नहीं देंगे। इन्होंने भारत को लूटा है, इस देश को बर्बाद किया है, हम इसको रहने नहीं देंगे। और अंग्रेजों की सरकार में आखिरी कील ठुकी तब, ताबूत में आखिरी कील ठुकी तब, जब 1905 में एक अंग्रेज पागल अधिकारी जिसका नाम था करजन, उसने मूर्खतापूर्ण एक फैसला किया। बंगाल भारत का एक बहुत बड़ा राज्य था, उसको दो हिस्सों में बांट दिया हिंदू और मुसलमान के आधार पर। पहली बार इस देश में अंग्रेजों ने जाति और संप्रदाय के आधार पर बंटवारा किया, बंगाल के दो हिस्से कर दिए। बंगाल उस समय भारत का सबसे बड़ा राज्य था। आज पूरा का पूरा आसाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उसके बाद आसाम के ऊपर के सातों राज्य, ये पूरा मिलाओ तो बंगाल बनता था। इतने बड़े बंगाल का बंटवारा किया हिंदू मुसलमान के आधार पर करजन नाम के अधिकारी ने, और एक कानून बना दिया डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट। जैसे ही ये बंगाल का बंटवारा हुआ हिंदू मुसलमान के आधार पर, पूरे देश में इसके खिलाफ आग लगी। और इस आग को सबसे तेज फैलाने वाले जो व्यक्ति थे वो थे लाला लाजपत राय। उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में इस आग को सबसे तेज फैलाने वाले थे विपिन चंद्र पाल, और पश्चिम और दक्षिण भारत में इस आग को सबसे तेजी से फैलाने वाले थे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ये तीन बड़े नेता थे उस समय भारत के, लाला लाजपत राय उत्तर भारत के, विपिन चंद्र पाल पूर्वी भारत के, लोकमान्य तिलक पश्चिम और दक्षिण भारत के। इन तीनों नेताओं ने एक मीटिंग की और उस मीटिंग में पुणे नाम का स्थान उन्होंने तय किया, और उसमें उन्होंने फैसला कर लिया कि ये अंग्रेजों की सरकार अब इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है कि हमारे राज्यों को हिंदू और मुसलमान के आधार पर बांट रही है। इन तीनों नेताओं का एक मत था कि आज इन्होंने बंगाल को बांटा है हिंदू और मुसलमान के आधार पर, कल ये दक्षिण भारत का जो प्रांत है जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था उस जमाने में, मद्रास प्रेसिडेंसी को बांट देंगे, फिर कोई दिन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बांटेंगे, फिर कोई दिन सेंट्रल प्रोविंस को बांटेंगे। इन तीनों नेताओं की दूरदर्शिता आप देखिए, 1905 में ये तीनों कह रहे हैं कि फिर किसी दिन भारत को ही बांट देंगे, इसलिए पूरी ताकत लगाकर अंग्रेजों का विरोध होना चाहिए। तो लाला लाजपत राय ने उत्तर भारत में कमान संभाली, विपिन चंद्र पाल ने पूर्वी भारत में कमान संभाली, और पश्चिम और दक्षिण भारत में लोकमान्य तिलक ने कमान संभाली, और पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक माहौल खड़ा किया। और उस माहौल का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह था, जहां जहां ये नेता जाते थे अंग्रेजी सामानों की होली जलाते थे, अंग्रेजी कपड़ों को जलवाते थे, और उनका सबको एक ही निवेदन था कि अंग्रेज भारत को बांट रहे हैं, लूट रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, तो इनका कोई माल मत खरीदो, इनको किसी भी तरह का सहयोग मत दो, इनको किसी भी तरह का सहकार मत करो। तो भारत में एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हो गया और उस आंदोलन का नाम स्वदेशी आंदोलन था। इस स्वदेशी आंदोलन की आग
1905 से लगना शुरू हुई, धीरे धीरे इसमें क्रांतिकारियों ने इकट्ठा होना शुरू हुआ। आप सोचो, तीन बड़े नेताओं ने फैसला लिया कि हमें यह आंदोलन पूरे भारत में फैलाना है 1905 में, और 1911 तक आते आते इन तीन नेताओं के पास 1,24,00,000 कार्यकर्ताओं की फौज थी मात्र 6 साल में। आप जरा कल्पना करिए, 1905 के हमारे देश के नेता गांव-गांव जाते थे तो उनके पास जाने के लिए मोटर गाड़ियां नहीं थी। 1905 के हमारे नेता बड़ी बड़ी सभाएं करते थे तो बोलने के लिए उनके पास माइक नहीं था। 1905 के हमारे भारत के नेता गांव-गांव जाते थे तो जाने के लिए एक ही साधन था, बैलगाड़ी या तो पैदल। तो बैलगाड़ियों पर पैदल चलकर या टट्टुओं पर माने घोड़ों पर बैठकर, यही उनके प्रवास का तरीका होता था। माइक होता नहीं था, सैकड़ों लोगों की सभाएं में संबोधन करना पड़ता था सवेरे से शाम तक। लोकमान्य तिलक की पर्सनल डायरी मैंने पढ़ी तो पता चला एक एक दिन में 8-8, 10-10 सभाएं करनी पड़ती, एक एक सभा में 1-1 घंटे 1.5-2 घंटे बोलना पड़ता था। और इन तीनों नेताओं ने बिना थके गांव-गांव ये काम शुरू किया। 6 साल की इनकी मेहनत का परिणाम निकला कि पूरे भारत में स्वदेशी आंदोलन में 1,24,00,000 कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए। फिर इन्होंने तय किया कि अब कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत है तो अब अंग्रेजी सरकार को झुकाया जाए और इनके सामने कोई ताकत का प्रदर्शन किया जाए। तो अंग्रेजी सरकार के अधिकारी कर्जन को इन्होंने नोटिस दिया तीनों ने संयुक्त रूप से, और उस नोटिस में लिखा कि या तो आप बंगाल का बंटवारा वापस करो और नहीं तो हम आपके खिलाफ असहयोग, सत्याग्रह और बगावत करेंगे और आपकी सरकार को चलने नहीं देंगे। करजन ने अपने अधिकारियों को भेजा बात करने के लिए, तो इन तीनों नेताओं ने अधिकारियों को कहा कि हमारे पास एक सबसे बड़ी ताकत है कि 1,24,00,000 कार्यकर्ता हैं, ये आपके खिलाफ बगावत करते हुए जेल जाएंगे। अंग्रेजों के पास जेल की कुल संख्या 17,000 है, इस 17,000 जेलों में कुल रह सकने वालों की ताकत अगर गिन लिया जाए तो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं रह सकते, हम 1,24,00,000 जेल जाएंगे, आप रखेंगे कहां हमको, जेलें टूट जाएंगी आपकी। तो अधिकारी बौखला गए, वो वापस करजन के पास गए और करजन को समझाया कि 1,24,00,000 हैं इनके पास कार्यकर्ता, इन्होंने अभियान में कॉल दे दिया, ये सब जेल जाएंगे, जेलें छोटी पड़ जाएंगी, दीवारें टूट जाएंगी, सरकार अस्त व्यस्त हो जाएगी, सारी व्यवस्था टूट जाएगी, क्या करना। तो करजन ने तुरंत टेलीग्राम किया ब्रिटिश पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट से वापस टेलीग्राम आया कि जो तीनों नेता कह रहे हैं उनकी बात मान लो और सरेंडर कर दो। तब करजन ने तीनों को सम्मान पूर्वक कलकत्ता बुलाया और उसमें उनके साथ एक समझौता किया। समझौता यह था कि डिवीजन ऑफ बंगाल एक्ट, जो हिंदू और मुसलमान के आधार पर बंटवारा हुआ है, ये वापस लिया जाएगा। आप जानते हैं अंग्रेजों की योजना यह थी कि हिंदू और मुसलमानों को आपस से अलग कर दो, क्योंकि आजादी की लड़ाई में दोनों साथ लड़ रहे थे, इनको अलग कर दो। तो उन्होंने एक बंगाल बना दिया पूर्वी बंगाल, जिसको आज का आप बांग्लादेश कहते हैं, एक बना दिया पश्चिमी बंगाल, जिसको आज का हम भारत का पश्चिमी बंगाल कहते हैं। ये बंगाल के बंटवारे के आधार पर वो चाहते थे कि देश में कमजोरी आ जाए और संप्रदाय के आधार पर आग फैल जाए। माने भारत का बंटवारा करने का बीज 1905 में करजन ने डाला। 1911 में करजन को अपना ही कदम पीछे खींचना पड़ा, कानून वापस लेना पड़ा। कानून जैसे ही वापस आया पूरे भारत में खुशी की लहर दौड़ गई और भारतवासियों में एक आत्मविश्वास आया कि हम अंग्रेज सरकार को झुका सकते हैं और उसको सरेंडर करा सकते हैं बनिस्बत कि हम एक रहें। तो उसी दिन से अंग्रेज सरकार रात दिन योजना बनाती रही कि कैसे भारतवासियों को तोड़ा जाए और कैसे भारतवासियों को फिर से अलग किया जाए। और उसी तोड़ने और अलग करने का नतीजा ये था कि अंग्रेजों की सरकार ने भारत के अंदर एक ऐसा आदमी खोजा जो उनके इस काम को आसान करे, और उस आदमी का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में पढ़ रहा था उस समय, कॉलेज उनका था हैरिस कॉलेज, वहां पर वो पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते समय उनकी नजर पड़ी, अंग्रेजों ने तय कर लिया कि इस आदमी को हम भारत में मुस्लिम लीडर के रूप में प्रमोट करेंगे और इसकी मदद से अपनी नीतियों को भारत में लागू कराएंगे।
मोहम्मद अली जिन्ना को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने के लिए अंग्रेजों ने उसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल खेली। आप जानते हैं कि अंग्रेजों की कौम दुनिया में सबसे निकृष्ट है, कभी भी कानूनी काम करना हो उससे भी कई गुना नीचे गिरकर गैर कानूनी काम भी वो कर सकते हैं। किसी राजा के साथ भारत में उन्होंने संधि की, अगले ही दिन उस संधि से पलट सकते हैं। तो जिन्ना को प्रमोट करने का तय किया और उसके पीछे अपना एक पिल्लू छोड़ दिया या एक एजेंट लगा दिया। उस एजेंट का नाम था एडविना। बाद में यही एडविना माउंटबेटन की पत्नी बनाई गई और उसको भारत में उन्होंने भेजा था। बीच का किस्सा यह है कि लगा दिया जिन्ना के पीछे एडविना को। एडविना भी उसी कॉलेज की विद्यार्थी थी, लॉ में पढ़ती थी जिसमें जिन्ना पढ़ता था। और कुछ संयोग ऐसा हुआ या दुर्योग ऐसा हुआ कि जहां उन्होंने लगा दिया जिन्ना के पीछे एडविना को और जिन्ना को पता नहीं, वहीं उसी समय नेहरू जी भी पढ़ाई किया करते थे हैरिस कॉलेज में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैरिस कॉलेज में पढ़ा करते थे, जिन्ना के साथ कभी कभी चाय कॉफी पिया करते थे। धीरे धीरे इस एडविना ने नेहरू और जिन्ना दोनों को शराब पीना सिखाया और दोनों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि दोनों को पेम्परिंग करते रहना है, दोनों को थपथपाते रहना है। थोड़े दिन के बाद जब इनकी पढ़ाई पूरी हुई, ये वापस आए, तो एडविना इनके साथ लग चुकी थी। शादी तो उसकी बाद में हुई है, पहले वो लग चुकी थी। एडविना को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पेशल ऑफिसर बना के एक बहुत बड़ी पोस्ट देकर, सीक्रेट एजेंसी के जैसे एक पोस्ट बनाकर हिंदुस्तान में लगा दिया। और उसको कहा गया कि एक ही काम करना है, जिन्ना को प्रमोट करते हुए, पैम्परिंग करते हुए मुसलमानों का नेता घोषित करवाना है। जिन्ना भारत आ गया पढ़ाई पूरी करके, फिर उसके बाद अंग्रेजी अखबार जो यहां छपा करते थे हिंदुस्तान में, उन अंग्रेजी अखबारों में जिन्ना के बड़े बड़े बयान, एक छोटी सी बात कहे तो उसको बड़ा करके छापना, फोटो के साथ छापना, ये सब कहानी उन्होंने शुरू की। जिन्ना को लगा कि वो बहुत बड़ा लीडर है, वो दिल्ली में एक छोटा सा स्टेटमेंट करता था, अंग्रेजों का अखबार जिसको आप टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं, ये अंग्रेजों का अखबार हुआ करता था, इसमें फ्रंट पेज पे छपता था। जिन्ना को लगता था अरे बहुत बड़ा लीडर हो गया वो, वास्तव में उसकी बात कोई सुनता और समझता नहीं था। भारत में मुसलमानों के दो वर्ग हैं, एक वर्ग शिया है, दूसरा सुन्नी है, दोनों ही जिन्ना को नेता नहीं मानते थे। शियाओं को पूछोगे जिन्ना नेता बन गया, तो शिया और सुन्नी कहते थे जी तो कन्वर्टेड है, हमारा लीडर नहीं है। फिर उनसे दूसरी बात पूछो तो वो कहते थे ये तो सुअर का मांस खाता है, हमारे यहां तो वर्जित है। फिर उसको पूछो तीसरी बात तो ये तो शराब पीता है, हम मुसलमान तो शराब नहीं पीते। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था, जिन्ना का परिवार ब्याज पर पैसे दिया करता था, ये उनका मुख्य बिजनेस था। आप जानते हैं कि मुसलमान ब्याज पर पैसा लेना देना पसंद नहीं करते, तो वो कहते थे ये मुसलमान कहां से है। तो हिंदुस्तान का शिया और सुन्नी समाज जिन्ना को लीडर कभी मानता नहीं था, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती उसको मुसलमानों का नेता है ऐसा करके पैम्परिंग किया करते थे। धीरे धीरे उसकी बार्गेनिंग पावर उन्होंने बढ़ाना शुरू किया और कांग्रेस में उसको पहले भर्ती करा दिया। कांग्रेस के अंदर आके उसने ये कहना शुरू किया कि एक ना एक दिन भारत आजाद होगा, तो अलग अलग हमको संप्रदायों के आधार पर मत विभाजन करवाना है। तो कांग्रेस के कई नेता कहा करते थे कि नहीं ये कोई काम नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे जिन्ना ने देख लिया कि कांग्रेस उसकी इस बात से सहमत नहीं है, अंग्रेज उसको बराबर इसी के लिए पैम्परिंग करते रहे। एक दिन जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस में मेरा दम घुटता है, मुझे ये पार्टी छोड़नी है, वो अलग आ गया। उसी समय अंग्रेजों ने क्या किया कि पुरानी बनाई हुई एक छोटी सी संस्था थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, जिसका अंग्रेजों ने कभी रजिस्ट्रेशन किया था सोसाइटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के आधार पर 1905-6 में, उस संस्था का जिन्ना को प्रेसिडेंट बना दिया। उस संस्था में मेंबर कितने थे? 5, उसमें से एक जिन्ना, 4 में एक टाइपिस्ट जो संस्था का काम टाइप करता रहता था, एक झाड़ू लगाने वाला, ऐसे करके 5 मेंबर थे, छठा कोई मेंबर नहीं था। लेकिन यह संस्था का नाम ऐसा फैलाया, टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले ही दिन जब मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बना तो जिन्ना का इंटरव्यू आया, उसमें पूछा गया कि भाई आपका उद्देश्य क्या है, तो आजादी लेना, तो उसके बाद का उद्देश्य क्या है, तो भारत में मुसलमानों की सत्ता स्थापित कराना। तो कैसे संभव है?
हिंदू तो मेजोरिटी में है, तो जिन्ना ने कहा कि अगर संभव नहीं हुआ तो भारत का बंटवारा कर। इस तरह से वो आदमी बढ़ता गया, अंग्रेज उसको खाद पानी देते गए, उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते गए। एक दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई कि हम जिन्ना पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। आप जानते हैं जिन्ना का खर्चा करोड़ों रुपए का साल का ब्रिटिश पार्लियामेंट उठाती थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सांसद ने सवाल उठा दिया कि जिन्ना के ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। तो अंग्रेजों का एमपी नहीं प्राइम मिनिस्टर कहता है, क्लेमेंट आर एटली एक दिन पार्लियामेंट में, और चर्चिल भी बाद में कहता है कि ये हमारा ट्रंप कार्ड है, इसमें पैसा हम लगा रहे हैं ताकि जब चाहें तब इसको एनकैश कर सकें। और ये बात 1939 में कही विंस्टन चर्चिल ने, 1942 में कही क्लेमेंट आर एटली ने कि ये हमारा ट्रंप कार्ड है, और सच में उन्होंने उसको ट्रंप कार्ड की तरह से इस्तेमाल किया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब सफल हो गया और अंग्रेजों ने देख लिया कि भारत के क्रांतिकारियों में बहुत बड़ी लहर पैदा हो गई है, भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की इतनी पिटाई हो चुकी थी कि उनकी पूरी की पूरी कमर टूट गई थी, आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर हो गए थे, कारखाने उनके बहुत बुरी तरह से बंद हो गए थे, क्योंकि एक तो मंदी चल रही थी इंग्लैंड में और ऊपर से सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ना पड़ा। सामने जो उनका दुश्मन था हिटलर, वो बहुत ताकतवर था, इसलिए अंग्रेजों की कमर टूटी हुई थी। तो उन्होंने कहा अब ये दो देशों को हम संभाल पाए ये संभव नहीं है, भारत को छोड़ना ही पड़ेगा अगर हम अपने को बचाना चाहते। तो उन्होंने 1942 के अंत में ही तय कर लिया था कि अब हम भारत को छोड़ देंगे, बाद में घोषणा भी कर दी 45 में कि भारत को छोड़ देंगे। जैसे ही भारत को छोड़ने की बात आई तो जिन्ना को फिर आगे कर दिया कि अब तुम डिमांड करो। जिन्ना ने कहा कि ठीक है मुझे पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, इससे कम पर कोई समझौता हो सकता है? कांग्रेस के नेताओं ने जिन्ना से पूछा तो उसने कहा हां हो सकता है। क्या हो सकता है? मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दो, इस पे समझौता हो सकता है। तो कांग्रेस के नेताओं ने पूछा कि अगर तुम प्रधानमंत्री बनो तो पाकिस्तान छोड़ दोगे? हां छोड़ दूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं पाकिस्तान की मांग छोड़ दूंगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें यह बात रखी गई कि जिन्ना बोलता है कि उसको प्रधानमंत्री बनाना है, तो नेहरू जी ने कहा कि मैं उसको प्रधानमंत्री तो क्या अपने ऑफिस का चपरासी नहीं बना सकता। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नेताओं ने कहा कि आप उसके साथ इतनी घृणा क्यों है? आप बोलते हैं कि उसको ऑफिस का चपरासी नहीं बना सकते, वो आदमी कह रहा है कि प्रधानमंत्री बना दो तो मैं पाकिस्तान नहीं मांगूंगा, तो हमारे लिए तो यह सौदा अच्छा है कि पाकिस्तान ना बने और वो थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री हो जाए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कई नेताओं ने ऑब्जेक्शन लिया नेहरू जी के सामने, गांधी जी के पास बात पहुंची। गांधी जी के पास एक व्यक्ति आया करता था जो जिन्ना का फैमिली डॉक्टर था। उसने एक दिन आके गांधी जी को कहा कि बापू ये आदमी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, मरने वाला है। कैसे? इसको पीठ में भयंकर ट्यूबरकुलोसिस हो गया है। उम्र कितनी है गांधी जी ने पूछा, तो उसने कहा मेडिकल साइंस के जितने फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसका हिसाब जोड़ू तो ये 8 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो फिर प्रश्न उठा क्यों? तो गांधी जी ने कहा बचेगा नहीं, ज्यादा दिन की उम्र नहीं है, मरेगा, कम से कम भारत तो बंटवारा नहीं होगा। और गांधी जी को इसमें इंटरेस्ट क्या था? आप जानते हैं गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कर दिया था पब्लिकली कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा। तो गांधी जी ने कहा कि मेरी तो ये कमिटमेंट है कि मैं पाकिस्तान नहीं बनने दूं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने गांधी जी समझा रहे हैं कि 8 महीने में मर जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, पीठ का ट्यूबरकुलोसिस है, बन जाने दो। तो नेहरू ने कहा मैं तो तुम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। तो फिर बाकी नेता खड़े हो गए मैं। तो गांधी जी ने कहा कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो जाओ, कोई कुछ हो जाओ, कोई कुछ हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर इसको हो जाने दो। तब नेहरू ने फिर कहा गांधी जी से, और वो आप सुनिए, और वो रिकॉर्ड की बात है, कोई साधारण बात नहीं है, फिर आपको समझ में आएगा कि भारत के बंटवारे का जिम्मेदार कौन है। नेहरू जी ने कहा कि बापू अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा, और मैं कांग्रेस को तोड़कर अपना अलग गुट बनाऊंगा और अंग्रेजों के सामने सत्ता के दावे का क्लेम करूंगा। जैसे आज हमारे देश में होता है ना, चुनाव खत्म होता है, गवर्नर के पास हम जाते हैं ना क्लेम करने के लिए कि मैं कल से सरकार बनाऊंगा,
तो नेहरू जी का स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, गांधी जी के सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड किया जिनका नाम था प्यारे लाल, वो लिखा हुआ है। तो नेहरू जी कहते हैं कि मैं कांग्रेस का एक गुट बनाऊंगा, अंग्रेजों के सामने अपना दावा पेश करूंगा, हो सकता है अंग्रेज मुझे सत्ता हस्तांतरण करें, फिर उसके बाद क्या होगा। तब गांधी जी ने कहा कि नेहरू अगर तुम्हारी ये विचारधारा है तो मुझे भगवान अभी उठाए, मैं अब एक मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहता। तो मौलाना अब्दुल कलाम ने गांधी जी को पूछा कि आप इतने निराश क्यों हो गए, तो गांधी जी ने कहा कि मैंने किसी गलत आदमी के सिर पर हाथ रखा है। गलत आदमी माने पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर गांधी जी ने अपने सेक्रेटरी प्यारे लाल को कहा कि ये नेहरू और जिन्ना में इतनी घृणा क्यों है। प्यारे लाल ने कहा मुझे नहीं मालूम है। तो गांधी जी ने कहा पता कराओ। तो पता कौन कराएगा, तो LIU के दिल्ली के ऑफिसर को बुलाया जो गांधी जी की प्रार्थना में नियमित रूप से आता था रिपोर्टिंग करने के लिए। गांधी जी ने अपने पास बुलाया कि भाई एक रहस्य मुझे बता दो। क्या? कि ये जिन्ना और नेहरू एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फूटी आंख देख नहीं सकते, चक्कर क्या है। तो LIU के ऑफिसर ने कहा 15 दिन का समय दे दो, मैं आपको बता दूंगा। 15 दिन के बाद वो आया और उसने कहा कि बापू ऑफिशियल रिपोर्ट दूं कि अनऑफिशियल। तो गांधी जी ने कहा दोनों दो। तो उन्होंने कहा कि अनऑफिशियल रिपोर्ट ये है जो मैं लिख के नहीं दूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे। लिख के दूंगा, अप्रत्यक्ष रूप से लिखूंगा तो भी आप समझ जाएंगे। बात सीधी सी ये है कि ये जिन्ना और नेहरू एक दूसरे को पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि इनके बीच में एडविना है। अब आप इसमें से अगर निष्कर्ष निकालना चाहें तो भारत का बंटवारा एक स्त्री के कारण हुआ, एक औरत के कारण हुआ, और वो थी एडविना। नेहरू भी उससे लगा हुआ, जिन्ना भी लगा हुआ, और एडविना इतनी चालाक, दोनों को हैंडल करती थी, दोनों को हैंडल करती, और इन दोनों को तैयार किया उसने, नेहरू को और जिन्ना को, दोनों को। आपको एक घटना सुनाता हूं जो आर्काइव्स के रिकॉर्ड में दर्ज है, किसी दिन ये रिकॉर्ड्स खुलेंगे तो देश में विस्फोट होगा। 3 जुलाई 1947 को एडविना और उसका पति, तथा कथित पति, सो कॉल्ड माउंटबेटन, क्योंकि माउंटबेटन एडविना के साथ कभी बेडरूम में सोया नहीं जितने दिन वो भारत में रहा। तो कौन सोता था आप सब जानते हैं। माउंटबेटन तथा कथित पति एडविना का 3 जुलाई 1947 को अपनी पत्नी को बुलाता है और कहता है कि मैं जा रहा हूं शिमला। क्यों जा रहे हैं? अंग्रेजों के यहां से चिट्ठी आ गई है पार्लियामेंट से कि जल्दी से भारत का बंटवारा करने के लिए तैयारी करो, दोनों देशों को अलग अलग करना है। चिट्ठी आ गई है, मुझे इस पर कुछ काम करना है। तो एडविना ने पूछा काम क्या करना है, तो उनका मैं जा रहा हूं शिमला, तुम दोनों को लेकर मेरे पीछे आओ। दोनों माने नेहरू और जिन्ना, इसको लेके आओ। तो एक ही दिन लाना है? नहीं नहीं अलग अलग दिन लाना है। तो पहले पहुंच गया माउंटबेटन, पीछे से एक दिन लेके गई वो नेहरू को। नेहरू को शाम को ही इशारे इशारे में कहा गया कि आपको बंटवारे के पेपर्स पर हस्ताक्षर करने हैं। नेहरू ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मुझे पूछना पड़ेगा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बाद में कहना, पहले हस्ताक्षर कर दो। तो नेहरू ने कहा नहीं। और यह सब थोड़ी देर चला वार्तालाप। थोड़ी देर के बाद एडविना ने आर्म ट्विस्टिंग किया, और वो आर्म ट्विस्टिंग ये था कि मिस्टर नेहरू अगर आप अभी साइन नहीं करते हैं तो मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भारत की प्रेस में रिलीज करने पड़ेंगे। सही बात है। और वो फोटोग्राफ्स क्या थे? एडविना के साथ शराब पीते हुए, एडविना के साथ डांस करते हुए, एडविना के साथ पता नहीं क्या क्या करते हुए। एडविना इतनी चालाक महिला थी कि अंतरंग क्षणों को उसने फोटोग्राफी से उतरवा के रखा हुआ था कभी भी इस्तेमाल करने के लिए। नेहरू जी परेशान हो गए कि अगर ये फोटोग्राफ्स रिलीज हो गए तो क्या होगा। इमीडिएट वो तैयार हुए और 3 जुलाई को सवेरे 2:30 बजे उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। दिल्ली भागकर आए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि मैंने तो भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया। तो कांग्रेस वाले परेशान हो गए कि आपने बिना हमसे पूछे। तो उन्होंने कहा हां, परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मैंने वो बंटवारा स्वीकार कर लिया। क्या परिस्थिति थी? तो सच नहीं बताया, बताया कि वो जिन्ना अड़ा हुआ था।
और भारत के साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहा था, इतना एरिया मुझे पाकिस्तान में दो दो, ये सब बातें बता के वर्किंग कमेटी को कन्विंस किया। तो वर्किंग कमेटी ने कहा कि गांधी जी को बताया, तो उन्होंने कहा गांधी जी को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तो नेहरू जी का सेंटेंस सुनिए, ये बुढ़ा खूसट, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको बताने से क्या फायदा है। लेकिन बात तो पहुंची गई गांधी जी तक, गांधी जी ने फिर वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई, और इस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में आखिरी बार उन्होंने कहा कि देखो नेहरू ने हस्ताक्षर तो कर दिए हैं, लेकिन मैं भारत के नागरिकों की तरफ से इसको मान्यता अगर ना दूं तो अंग्रेजों की सरकार परेशान हो जाएगी, लेकिन तुम सब तय कर लो कि नेहरू को रखना है या बाहर करना है। तो वर्किंग कमेटी में फूट पड़ गई, कुछ लोगों ने समर्थन कर दिया, कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। सरदार पटेल उस समय खामोश हो गए, मौन हो गए, उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं बताया, तो कई लोगों ने उसका अपना अपना अलग अर्थ लगाया। फिर गांधी जी ने कहा कि फिर ठीक है, तुमको जो करना है वो करो, मेरे पास आज से आना बंद कर दो। वो आखिरी दिन था। उसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जाना और उनको अपने पास बुलाना बंद कर दिया, और उसके 10-12 दिन के अंदर 3 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 1947 के बीच में इन्होंने बहुत सारे वो काम कर दिए कि बंटवारे में कौन सा हिस्सा पाकिस्तान जाएगा, कौन सा भारत रहेगा, आर्मी का बंटवारा कैसे होगा, लोगों का बंटवारा कैसे होगा, पैसे का बंटवारा कैसे होगा, वो सब फॉर्मूले तय कर लिए। अंग्रेजों ने एक अधिकारी भेज दिया, उस अधिकारी ने बाउंड्री लाइन तय कर लिया, और उसके बाद सब कुछ तय होकर 14 अगस्त रात 12 बजे उन्होंने भारत को तथाकथित आजाद कर दिया, दो टुकड़े करके, भारत और पाकिस्तान। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहने आया हूं ये कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कोई वैचारिक आंदोलन का परिणाम नहीं था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कोई बहुत बड़े युद्ध क्रांति का परिणाम नहीं था, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा दो नेताओं के चरित्र से उतर जाने का दुष्परिणाम था। हमारे यहां ये कहा जाता है कि सामान्य आदमी दुष्चरित्र हो जाए तो उसका स्वयं का पतन होता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार व्यक्ति के चरित्र का पतन हो जाए तो राष्ट्र का ही विनाश होता है। ये कहानी है हिंदुस्तान के बंटवारे की। आप बोलेंगे जी क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि एक तरफ सरदार भगत सिंह जैसे 6,32,000 क्रांतिकारी जो भारत को आजाद होकर एक नया राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे, और एक तरफ जिन्ना और नेहरू जैसे लोग जो अपने चरित्र में नीचे गिरकर देश की सत्ता का सौदा कर रहे थे। आप बोलेंगे जी हमें तो पहली बार यह सब सुनने को मिला है। यह पहली बार आपको सुनने को इसलिए मिला है कि कोई इसको कहने की हिम्मत नहीं करता है। इस देश में बहुत सारे इतिहासकार हैं जो नेहरू जी के बारे में सब जानते हैं, लेकिन पब्लिक में जाकर बोलना ताकत नहीं है। नेहरू जी एक दिन में 60 सिगरेट पीते थे, चेन स्मोकर थे, एक सिगरेट छूटे तो दूसरी चालू, दूसरी छूटे तो तीसरी चालू। जिन्ना एक दिन में 72 सिगरेट पीता था, दोनों एक ही ब्रांड की शराब पीते थे। पेरिस में, फ्रांस में एक शराब बनती है जिसका नाम है कोइनेक, उस जमाने में उसकी एक बोतल 16,000 रुपए की आती थी, और उस जमाने का एक रुपया आज के 300 रुपए के बराबर है। तो दोनों की शराबें पेरिस से आती थी, कपड़े धुलने के लिए पेरिस जाया करते थे, सिगरेट पीना, शराब पीना और मांस का खाना खाना। जिन्ना सुअर का मांस खा लेता था, नेहरू जी गाय का भी मांस खा लेते थे। इसका पता कैसे चला? जैसे ही देश के बंटवारे हुए तो बंटवारे के तुरंत बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नेहरू जी के सामने एक प्रस्ताव लाया कि नेहरू जी आपने लाहौर में एक भाषण दिया था और बोला था कि मैं कभी भारत का प्रधानमंत्री बन गया या मेरे हाथ में देश की बागडोर आई तो गाय की हत्या बंद करने वाला कानून 1 मिनट में बनाऊंगा, अब देश के आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, गो हत्या बंद करने का कानून तो बना दो। तो नेहरू जी का बहुत मुस्कुराते हुए उत्तर था कि वो पहले की बात थी, अभी की थोड़ी। तो उसने पूछा क्यों, क्या तकलीफ है आपको, गोरक्षा का कानून बन जाना चाहिए इस देश में।
क्या तकलीफ है आपको? तो नेहरू जी ने कहा मेरे लंच का क्या होगा। और नेहरू जी का सेक्रेटरी जिसका नाम था जॉन मथाई, वो लिख कर गया है कि नेहरू जी के लंच में बीफ चलता था। बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, वो खुद गाय का मांस खाते थे और अपने को कश्मीरी पंडित कहा करते थे। नेहरू जी की इन दो छोटी सी दुष्चरित्रताओं ने पूरे देश में सत्यानाश कर दिया। क्या सत्यानाश हुआ? अंग्रेजों को पता था कि ये आदमी ऐसा है जिसको हम चाहें तो घुमा सकते हैं। क्यों? जिसको चरित्र में कमजोरी आ जाती है, जो लंगोट से पक्का नहीं होता है, उसको चाहे वो घुमा सकता है। ये दुनिया में सबसे बड़ा उसूल है सार्वजनिक सामाजिक काम करने वालों के लिए, जो लंगोट का पक्का नहीं होता है उसको चाहे वो घुमा सकता है। तो अंग्रेजों को पता चल गया कि ये तो बहुत कच्चा आदमी है, तो उन्होंने उस कच्चे आदमी के कच्चेपन का भरपूर फायदा उठाया और संसद में बार बार भाषण हुआ। एटली बोलता है, चर्चिल बोलता है कि चिंता मत करो, नेहरू के हाथ में सत्ता है, हम जो चाहेंगे वही होगा। तो आप चाहेंगे तो क्या होगा? तो चर्चिल ने कहा कि चिंता मत करो, भारत से हम लौटने के बाद भी भारत में वही होगा जो हम चाहेंगे। तो एटली पूछ रहा है कि विस्तार से जरा बताओ, तो चर्चिल कहता है कि देखो हम भारत को छोड़ देंगे लेकिन हमारी भाषा भारत में रहेगी, हम भारत को छोड़ देंगे लेकिन हमारे कानून भारत में रहेंगे, हम भारत को छोड़ देंगे हमारी संस्कृति भारत में रहेगी, हम भारत को छोड़ देंगे हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत में रहेगी, हम भारत को छोड़ देंगे हमारी संस्थाएं भारत में रहेंगी, हम भारत को छोड़ देंगे हमारा धर्म भारत में रहेगा। और ऐसा बोलते बोलते कह गया कि बस इतना ही होगा कि अभी हम गोरे अंग्रेज भारत में राज कर रहे थे, कल से काले अंग्रेज करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं। और आप जानते हैं आजादी मिलने के बाद नेहरू जी का जो पहला भाषण हुआ भारत की संसद में, वो संसद के अंदर रिकॉर्डेड है, 3.5 घंटे का स्पीच है जिसमें नेहरू जी कह रहे हैं कि भारत की आजादी के बाद हमें भारत चलाना है तो इन्हीं अंग्रेजों की मदद लेनी पड़ेगी जिन्होंने अब तक भारत चलाया है, इसलिए मैं संसद में ये अनाउंस करता हूं कि अंग्रेजों की बनाई गई प्रशासनिक व्यवस्था जैसी की तैसी ही चलेगी। माने ICS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, IRS ऑफिसर, सारे के सारे ऑफिसर्स वैसे ही रहेंगे, अंग्रेजों की बनाई गई पुलिस वैसी की वैसी ही रहेगी। और उसी दिन से तय हो गया कि भारत की आजादी शून्य है, क्योंकि जिस बात के लिए भगत सिंह आजादी चाहते थे वो तो हुआ नहीं। भगत सिंह का सपना क्या था? 28 सितंबर 2007 को भारत की सरकार भगत सिंह के डायरी के बहुत सारे पन्ने पब्लिश करने जा रही है जो आपको पढ़ने को मिलेंगे, जो अब तक छुपा के रखे गए, जानबूझकर छुपा कर रखे गए। कुछ ऐसे पन्ने हैं भगत सिंह की डायरी के जो देश के सामने आने चाहिए थे 50 साल पहले लेकिन नहीं लाए गए। क्यों? क्योंकि उन पन्नों में भगत सिंह ने भविष्य का भारत कैसा होना चाहिए उसका खाका लिखा। भगत सिंह लिखते हैं कि आजादी के बाद भारत में अंग्रेजों के कानून नहीं चलेंगे, अंग्रेजी पुलिस व्यवस्था नहीं चलेगी, अंग्रेजी न्याय व्यवस्था नहीं चलेगी। लेकिन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कह रहे हैं संसद में कि आजादी के बाद हमें अंग्रेजी पुलिस भी चाहिए, कानून भी चाहिए, अधिकारी भी चाहिए। तो अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून जिसका नाम है इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, नेहरू जी ने नहीं बदला। इंडियन पुलिस एक्ट नेहरू जी ने नहीं बदला। इंडियन एजुकेशन एक्ट नेहरू जी ने नहीं बदला। लैंड एक्विजिशन एक्ट नेहरू जी ने नहीं बदला। और 34,735 कानून नहीं बदले जो बदलने चाहिए थे पहले ही दिन 15 अगस्त 1947 को। वो सब के सब कानून हमारे ऊपर लदे हुए हैं और आज भी हम उन कानूनों के नीचे गुलाम हैं। अंग्रेजों की पुलिस को इंडियन पुलिस एक्ट के आधार पर यह अधिकार था कि वो जब चाहे किसी हिंदुस्तानी को मारपीट कर सकते हैं, जब चाहे किसी हिंदुस्तानी के घर में घुस सकते हैं, न्यूसेंस खड़ा कर सकते हैं, उसके घर के सामान को तितर बितर कर सकते हैं। ये अधिकार हर पुलिस ऑफिसर को था। आजादी मिलने के 60 साल बाद भी ये अधिकार पुलिस ऑफिसर को है। वो जब चाहे आपकी पिटाई कर सकता है, जब चाहे उठाकर आपको लॉकअप में बंद कर सकता है, जब चाहे उठाकर आपकी संपत्ति लेके जा सकता है और आप उस पुलिस ऑफिसर का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर वो आपको एनकाउंटर में मार दे तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आप जानते हैं बहुत सारे पुलिस ऑफिसर
इसी ताकत का दुरुपयोग करते हैं पंजाब में, जम्मू काश्मीर में, नंदीग्राम बंगाल में। और उस दुरुपयोग का अंतिम दुष्परिणाम होता है कि समाज के अंदर पुलिस के खिलाफ एक बगावत की भावना होती है जो कभी कभी किसी गलत रास्ते पर मुड़ जाती है। ये कानून बदला नहीं, इंडियन एजुकेशन बदला नहीं, अंग्रेजी को भगाया नहीं, जब अंग्रेज भागे तो अंग्रेजी जानी चाहिए, वो भगाया नहीं, सब कुछ रख लिया, बस अंग्रेज चले जाए बाकी सब भारत में रह जाए, ये आजादी का तथ्य निकला। भगत सिंह का सपना था कि अंग्रेज के साथ अंग्रेजियत जाए इस देश में से, अंग्रेजों के साथ अंग्रेजियत जाए, ये भगत सिंह का सपना था। लेकिन आजादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री पहले पंडित नेहरू ने अंग्रेजों को विदा किया, अंग्रेजियत को संभाल के रख लिया। दुष्परिणाम क्या हुआ उसका? अंग्रेज जब भारत छोड़कर गए तो भारत में गाय का कत्ल करने के लिए 350 कत्ल खाने होते थे, अब अंग्रेजों के जाने के 60 साल के बाद इस देश में 36,000 कत्ल खाने हो गए गाय का कत्ल करने वाले। जब अंग्रेज हिंदुस्तान छोड़कर गए थे तो एक साल में 30,000 गाय कटती थी, अब अंग्रेजों के 60 साल के बाद इस देश में एक दिन में 30,000 गाय कट जाती है। ये हमने विकास किया। अंग्रेज जब इस देश को छोड़कर गए थे तो गाय का मांस अंग्रेजों की पुलिस खाती थी और अंग्रेजों की सेना खाती थी, अंग्रेजों के चले जाने के 60 साल के बाद भारत की गायों का मांस दुनिया के तमाम लोग खा रहे हैं, यहां से गाय का मांस एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने में ये जो कानून नहीं बदला सरकार ने, अंग्रेजों के जाने के बाद भी नहीं बदला, उसका आज दुष्परिणाम ये है कि गाय के एक एक साल के बछड़े, दो दो साल के बछड़े रात दिन काटे जाते हैं, ट्रक के ट्रक भर के कत्ल खानों में भेजे जाते हैं, किसी कत्ल खाने के सामने आप जाके 10 मिनट खड़े नहीं हो सकते। पंजाब से गायों का इतना कत्ल हुआ है कि देशी गाय ही दिखाई नहीं देती इस पूरे पंजाब में। पंजाब के मैं जितने भी गांव में आज तक गया हूं, किसी भी गांव में देशी गाय का दर्शन नहीं मिला। हिंदुस्तानी गाय, थरपारकर, साहिवाल, कांकरेजी, लाल सिंधी, सफेद सिंधी, राठी, ये सब भारत की गाय है, कहीं दिखने को नहीं मिलती है। जो पंजाब में दिखाई देती है वो सब अमरीकी गाय, होलिस्टियन फ्रीजियन, जिसको अंग्रेजों ने लाकर यहां छोड़ा और हिंदुस्तानी गाय को साफ करा दिया। और यह सिर्फ पंजाब का हाल नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में यही हो रहा है, देशी गाय का बड़े पैमाने पर कत्ल। अंग्रेजों का तर्क यह था कि गाय का मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट है, आज हमारे देश में जो काले अंग्रेज चला रहे हैं सरकार को, वो भी यही कहते हैं कि गाय का मांस खाने में बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए गाय का कत्ल बंद नहीं हो सकता, चालू रहेगा। अंग्रेजों ने एक कॉन्वेंट स्कूल खोला था कलकत्ता में 1760 में, अब हिंदुस्तान में हजारों हजारों कॉन्वेंट स्कूल गली गली में है। और मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म आती है कि हिंदुस्तान में बजरंगवली कॉन्वेंट स्कूल भी है, माय गॉड, सरस्वती माता कॉन्वेंट स्कूल भी है। इसे आज तक मेरे समझ में नहीं आया बजरंगवली का कॉन्वेंट से क्या कनेक्शन है। और जो कॉन्वेंट चलाने वाले हैं उनको मैं रोज पूछता हूं कि भैया ये बजरंगबली कौन से कॉन्वेंट में पढ़ने गए थे जो तुमने बजरंगबली कॉन्वेंट स्कूल चला दिया, तो कहते राजीव भाई कुछ भारत का कुछ अंग्रेजों का ये खिचड़ी है, मिक्सचर है, बजरंगबली भारत के, कॉन्वेंट अंग्रेजों का, वो चला रहे। सोचते नहीं, समझते नहीं, विचार करते नहीं कि ये कॉन्वेंट स्कूल हमारे लिए जरूरी है। अंग्रेज कॉन्वेंट स्कूल चलाते हैं, यूरोप में कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, उसका इतिहास आप जानते हैं। यूरोप में पिछले 2,500 साल से एक परंपरा चल रही है, जो खराब और अच्छी है वो आप तय करिए, मैं सिर्फ परंपरा बताता हूं कि 70% समाज के स्त्री और पुरुष शादी नहीं करते। ये 2,500 साल पुरानी परंपरा है यूरोप की, शादी नहीं करते लेकिन बिना शादी के साथ में रहते। इसको एक नाम दे दिया है लिव इन रिलेशनशिप। पति पत्नी नहीं बनते ऑफिशियली, लेकिन बिना ऑफिशियली पति पत्नी बने हुए पति पत्नी की तरह से रहते हैं, तो बच्चे तो पैदा होते ही हैं। अब ऐसे पति पत्नी जो शादी करते नहीं और बच्चे आ गए, वो कहते हैं भाई एक्सीडेंट आ गए,
हमने तो बच्चे लाने की प्लानिंग की नहीं थी, वो तो एक्सीडेंट से आ गए। तो ऐसे बच्चों को सरकार पालती है क्योंकि पति पत्नी नहीं पाल सकते, और उन बच्चों को पालने के लिए चर्च को फंड दिया जाता है। चर्च उस पैसे से कॉन्वेंट स्कूल चलाता है। कॉन्वेंट का अंग्रेजी में मतलब होता है लावारिस बच्चों का स्कूल। आप चाहें तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलिए, वेबस्टर डिक्शनरी खोलिए और CONVENT का मतलब देख लीजिए। CONVENT का मतलब है लावारिस बच्चों का स्कूल, जिनके बाप का पता नहीं, जिनकी अम्मा का पता नहीं, ऐसे बच्चों का स्कूल। आप जानते हैं कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो उनको टीचर नहीं कहना सिखाया जाता, वो कहते हैं ये फादर है, ये मदर है, ये ब्रदर है, ये सिस्टर है। टीचर नहीं है, फादर है, मदर है, ब्रदर है, सिस्टर है। क्यों? असली नहीं है तो नकली से ही काम चलाना पड़ेगा, असली तो है नहीं। अब मुझे अपना सिर पीटने का मन करता है कि जो कॉन्वेंट स्कूल चलाए जाते हैं बिना मां बाप के बच्चों के, उन कॉन्वेंट स्कूलों में अच्छे खासे मां बाप के बच्चे पढ़ते और वो गर्व से कहते हैं मेरा बेटा सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में पढ़ता है, मेरी बेटी सेंट मैरी कॉन्वेंट में पढ़ती है। फिर मैं पूछता हूं लावारिस बच्चों के स्कूल में? तो थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाते। फिर जब मैं उनको डिक्शनरी खोल खोल के दिखाता हूं, पढ़ पढ़ के सुनाता हूं, तो कहते राजी भाई क्या करें, अच्छी शिक्षा देनी है तो मजबूरी का कुछ समझौता करना है। मैं उनसे कहता हूं कि आप क्या समझौता कर रहे हैं जरा सोचो तो सही। हमारे भारत की परंपरा है कि किसी भी बेटे या बेटी की दो माताएं हो सकती हैं, बाप दो नहीं होते। आप जानते हैं भारत की परंपरा, भगवान कृष्ण की दो माताएं, एक ने जन्म दिया एक ने पाला, भगवान राम की तीन माताएं, कैकेयी, सुमित्रा, अतिरिक्त माता, मूल माता कौशल्या। आप पुराने जमाने से ढूंढना शुरू करो तो हर एक महान व्यक्ति की दो तीन माताएं मिल जाएंगी। राणा प्रताप की दो माताएं, एक पन्ना धाय जिसने दूध पिलाया और एक असली माँ जिन्होंने जन्म दिया। शिवाजी की दो माताएं। तो भारत में ऐसी परंपरा हजारों साल से है, माताएं दो हो सकती है, तीन हो सकती है, बाप एक ही होता है। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के दो दो बाप होते हैं। एक तो घर में है असली और दूसरे स्कूल में नकली फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। अब आपको बहुत खराब बात कहता हूं, आपके दिल पे चोट पड़े इसलिए कहना चाहता हूं। भारत में एक बहुत खराब शब्द है, उसको बाद में बोलूंगा, पहले अंग्रेजी में बोल देता हूं। अंग्रेजी में एक बहुत खराब शब्द है, उसका नाम है बास्टर्ड, BASTARD। इस बास्टर्ड शब्द को अगर आप खोल के देखो डिक्शनरी में, ऑक्सफर्ड में या चैम्बर्स में या वेबस्टर में, तो इसका अर्थ है ऐसा लड़का जिसके दो बाप, उसको बास्टर्ड कहते हैं। हमने अपने अच्छे खासे बेटे बेटियों को कॉन्वेंट में भेज भेज के बास्टर्ड बना लिया, और हम बड़े गर्व से कह रहे हैं कि हमारी बेटी, हमारा बेटा कॉन्वेंट में पढ़ता है। क्या हुआ हमारे दिमाग को, खराब हो गया है क्या? नेहरू जी का दिमाग खराब हुआ एडविना के कारण समझ में आता, आपको क्या हो गया? आप ये क्यों फंसे हैं चक्कर में? मेरी विनती है आप सभी को, अगर जो भगत सिंह की सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो भगत सिंह जी की जो छपने जा रही है डायरी, 28 सितंबर को छप जाएगी, जरूर खरीद के पढ़ना। उसमें उनके विचार हैं कि अंग्रेजों के जाने के साथ अंग्रेजी शिक्षा जानी चाहिए, हमें वो नहीं चाहिए। इस अंग्रेजी शिक्षा को हमने पकड़ के रख लिया, अपने हृदय से चिपका लिया, अंग्रेज चले गए, कॉन्वेंट छूट गए। और मुझे दुख है यह कहते हुए कि कॉन्वेंट स्कूलों में चल रहा सारा का सारा खेल हम हिंदू सनातनी और अपने को भारतीय मानने वाले लोगों के डोनेशन से होता है। आप में से कई लोगों को यह गलतफहमी होगी कि शायद कॉन्वेंट स्कूल विदेशों से आए हुए फंड से चलते हैं। मुझे भी पहले यह गलतफहमी थी। मैंने एक बार संसद में मेरे एक मित्र को सवाल दिया लिखकर कि जरा सरकार को पूछो कि कॉन्वेंट स्कूल का एक साल का कुल खर्चा पूरे भारत का जो है उसका वो क्या है,
क्लासिफिकेशन क्या है, कितना भारत से आता है, कितना विदेशों से आता है। तो पता चला कि कॉन्वेंट स्कूलों में हर साल 18,000 करोड़ रुपए खर्च होता है, उसमें से बाहर से मात्र 10% आता है, बाकी सारा पैसा भारत का समाज उनको देता है। कैसे देते हैं? हम कॉन्वेंट स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन कराने जाते हैं तो डोनेशन लगता है। तो इंग्लैंड में इसको बोलने की जरूरत है, क्योंकि वहां साल में 8 महीने सूरज ही नहीं निकलता। साल में 8 महीने जिस देश में सूरज ना निकले और गलती से किसी दिन निकल मॉर्निंग, यहां तो रोज सूरज निकलता है, करोड़ों साल से निकल रहा है, अगले करोड़ों साल तक निकलेगा, हम कहां फंस गए इस गुड मॉर्निंग में। और उससे भी आगे की मूर्खता, गुड नाइट, हिंदुस्तान की एवरी नाइट इज गुड नाइट। यूरोप में होता है रात को बर्फ पड़ती है, और एक रात को नहीं दसियों बीसियों रातों को बर्फ पड़ती रहती है, जब बर्फ पड़ना बंद हो जाती है तब वो चिल्लाते हैं गुड नाइट। भारत में तो एवरी नाइट इज गुड नाइट। हम फंस गए गुड आफ्टरनून, यूरोप में होता है गुड आफ्टरनून, क्योंकि सूरज तो निकलता नहीं महीनों महीनों, कभी अचानक को 3 बजे के आसपास वो झलक दिखलाता है तो वो चिल्लाते हैं गुड आफ्टरनून। हमारे यहां तो एवरी आफ्टरनून इज गुड आफ्टरनून। काहे के लिए ये फंस गए चक्कर में गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। कॉन्वेंट में पढ़ा के अपने बच्चों को हमने आधा अंग्रेज बना दिया। कैसे? बच्चे जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उनके पिताजी का नाम है रामदयाल, माताजी का नाम है गायत्री देवी, बेटे का नाम हो गया टिंकू। मेरे समझ में नहीं आता कि ये रामदयाल और गायत्री देवी का टिंकू कहां से आया। टिंकू का अर्थ समझते हैं? फिर से डिक्शनरी खोली ऑक्सफर्ड की, वेबस्टर की, टिंकू का अर्थ है आवारा लड़का। और आवारा का अर्थ आप समझते हैं जो बाप की ना सुने, मां की ना सुने, घर में ही ना रहे, वो आवारा लड़का। सीधा साधा भोला भाला आपका बेटा, आप उसको टिंकू 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 बोल बोल के ही बनाने वाले हैं आवारा। और ये टिंकू अकेला नहीं है, इसके साथ बबली भी है, बबली, डिंपल, ट्विंकल, बबली, डबली, डबलू, बबलू, पता नहीं कहां कहां से विचित्र नाम ये लाला के अपने अपने घर में रखना शुरू कर। हमारा पता है क्या हुआ? पहचान ही खत्म हो गई। रामदयाल की पहचान है, गायत्री देवी की पहचान है, टिंकू की क्या पहचान है जरा बताइए। रामदयाल गायत्री देवी की पहचान है, बबली डबली की क्या पहचान है, बबलू डबलू की क्या पहचान है। हम लोग इतने मूर्खता में फंस गए, ये सब मैं अपने जीवन को फंसा लिया। कैसे विचित्र हम हिंदुस्तानी हो गए हैं। हम हिंदुस्तानी ऐसे हो गए हैं कि गाय का कत्ल हो खून भी नहीं खौलता, पानी हो गया कुत्ते पाल पाल के रोज सवेरे सवेरे सैर करने जाते हैं। मैंने देखा है ये टिंकू पिंकू बबलू डबलू के जो अम्मी पप्पा है ना, मम्मी पप्पा, ये कुत्तों को सवेरे लेके सैर कराने जाते हैं। और मैंने कई ऐसी मम्मियों को देखा है जो अपने घर के बेटे या बेटी को गोद में नहीं उठा सकती, उसको आया उठाएगी, वो कुत्ता लेके सवेरे सवेरे सैर पे जाएगी। हाँ, कुत्ते का पिल्लू बांध के सवेरे जाएगी सैर पर, अपने घर के पिल्लू को नाश्ता देने के लिए भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि उसको कुत्ता टहलाने के लिए लेके जाए। और वो कुत्ता जात का ही ऐसा है, जहां टांग उठाए वहीं शूशू कर ले, कोई मैनर्स नहीं, कोई सभ्यता नहीं, कोई संस्कृति नहीं, उसको पकड़ पकड़ के हिलने नहीं। और वो कुत्ता भी बड़ा विचित्र है, देख के ही करता है। आपकी कार को देखेगा, चारों तरफ चक्कर लगाएगा, जो कार का पहिया सबसे अच्छा दिखाई देगा उसी के काम उठा। और उस कुत्ते को घर में बांध के बाहर एक बोर्ड टांग देते हैं, बिलेयर ऑफ डॉग। ये है हमारा कचरा हो गया, पहचान ही खत्म। पहले हर घर के सामने गाय बांधी जाती थी, अब घरों में कुत्ता आ गया, हमने विकास कर लिया। गाय को तो काट के मांस खा रहे हैं, कुत्ते को घर के सामने बांध रहे हैं,
जो आपको भी चिल्ला है, पड़ोसी को भी चिल्ला है, आने वाले को उससे भी ज्यादा चिल्ला है। कहना था कि यही एक ऐसा जीव है जो आने वाले भविष्य में किसी काम का ना हो। गाय को लेकर नहीं गए, बैल को लेकर नहीं गए, कुत्ते को लेकर गए, वो प्रतीकात्मक है। उस युधिष्ठिर ले गए अपने साथ उस कुत्ते को, हमने फिर वापस लाके घर में बांध दिया, क्योंकि अंग्रेजों के अंग्रेज तो हम हैं, अंग्रेज पालते हैं कुत्ता। जानते हैं क्यों पालते हैं? क्योंकि यूरोप में ठंड बहुत पड़ती है, और जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो कुत्ते की बहुत जरूरत पड़ती है। क्या काम के लिए? बर्फ पड़ती है 10 फीट ऊंची 15 फीट ऊंची, बर्फ के नीचे बहुत कुछ दब जाता है, गाड़ियां दब जाती हैं, घरों के दरवाजे दब जाते हैं, तब वो कुत्ता है जो सूंघ सूंघ के बताता है कि कहां क्या है। इसलिए अंग्रेज कुत्ते को पालता है, उनकी मजबूरी है कुत्ता पालना, हमारे लिए कोई मजबूरी नहीं है। लेकिन हम इस अंग्रेजियत में डूबे हुए। थोड़ा आगे बढ़े, इस अंग्रेजियत का क्या असर है गवर्नमेंट स्कूलों का? अपने अच्छे खासे हिंदुस्तान में जहां समशीतोष्ण जलवायु है, टेम्परेचर बराबर का है, ना ज्यादा ठंडी है ना ज्यादा गर्म है, उस हिंदुस्तान के छोटे छोटे बच्चों को गले में टाई लटकवा दिया कॉन्वेंट के कारण। टाई यूरोप में पहनी जाती है, और टाई लगाने के पीछे यूरोप में कारण क्या है? 14वीं शताब्दी में यूरोप में टाई का आविष्कार हुआ, और उसका कारण यह था कि यूरोपियन लोगों को ठंड बहुत है, क्योंकि सर्दी बहुत है, तो अक्सर जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम होता है, तो नाक अक्सर बहती रहती है। तो बेचारे पुराने जमाने के अंग्रेज क्या करते थे, जेब से कागज निकाल के पोंछ के रखते रहते थे। बाद में उनको लगा कि ये बार बार निकालना पोंछना रखना ये कोई बात बनती नहीं है, तो गले में ही रखा, लो एक हमेशा लटकता है, तो वो टाई उन्होंने लटकाई नाक को खींच लिया। और हम तो ऐसे महानों के महान हो गए कि भरी जून की गर्मी में 3-पीस सूट टांगे घूमते रहते हैं, दूल्हे राजा बन के घोड़े पे चढ़ के बैठते हैं 3-पीस सूट और टाई लगा के, मूर्खों के मूर्ख उसी दिन सुपर इडियट बन के शादी करने जाते हैं। किसी को मैं पूछता हूं, भैया ये शादी का दिन है, इडियट क्यों बन रहे हो? ये 3-पीस सूट और टाई लगा के जून की भयंकर गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर में जब पसीना पसीना शरीर हो रहा है, टाई सूट लगा के घोड़े पे चढ़ के बैठे हो, घोड़े पे बैठने की ये ड्रेस नहीं है? तो कहते राजीव भाई आज तो छोड़ दीजिए, क्यों? आज शादी है तो शादी के दिन सुपर इडियट होना है क्या, जोकर बनना है क्या? और मैं कभी कभी उनसे कहता हूं कि भैया अगर तुम 3-पीस सूट और टाई लगाते हो तो शादी के समय अपनी पत्नी को मैक्सी पहनाओ या मिडी में लेके आओ, मिडी समझते, हाफ स्कर्ट यहां तक, घुटने के ऊपर तक की स्कर्ट को वहां मिडी कहते हैं। तो मैं कहता हूं मिडी में लाओ अपनी पत्नी को, मैक्सी में लाओ, क्योंकि आप से गृहस्थी। पत्नी को साड़ी में ही लाएंगे और पतिदेव 3-पीस सूट और टाई पहन के आएंगे, मूर्खों के मूर्ख। यही सब कॉन्वेंट की निशानियां हैं। ये कॉन्वेंट एजुकेशन ने हमारे दिमाग में ऐसा वायरस भर दिया, ना तो हम हिंदुस्तानी रह पाए ना अंग्रेज बन पाए, हम खिचड़ी हो गए, हमारी पहचान खत्म हो गई। मैं दुनिया में बहुत घूमता हूं, और दुनिया के देशों में जब मैं जाता हूं तो मुझे बड़ा गर्व होता है कि जो देश में मैं गया वहां के लोगों का पहनावा देख के मुझे तुरंत पता चलता है कि आदमी कहां का है। गल्फ के किसी भी देश में चले जाए, सऊदी अरब के आदमी को आप कपड़े से पहचान लेंगे, संयुक्त अरब अमीरात वाले को कपड़े से पहचान लेंगे, बहरीन वाले को पहचान लेंगे, कुवैत वाले को पहचान लेंगे, ओमान वाले को पहचान लेंगे, और कई बार तो ऐसा होता है कि पूरे कपड़े देखने की जरूरत नहीं, सिर्क पर जो स्कार्फ बांधा हुआ है ना उससे मैं देश बता सकता हूं ये आदमी किस देश का है। ये हिंदुस्तानी विचित्र बंदा है, कहीं भी घूमे यूरोप और अमेरिका में पहचान ही नहीं सकते कि किस देश का है, सरदारों को छोड़कर। क्योंकि वो अकेले बचे हुए हैं जिन्होंने अपनी पगड़ी नहीं छोड़ी है, जिन्होंने अपने केश नहीं छोड़े हैं, जिन्होंने अपना कड़ा नहीं छोड़ा है, जिन्होंने अपनी कटार नहीं छोड़ी है। मैं दुनिया में जहां भी जाता हूं सिखों को तुरंत पहचान लेता हूं कि ये पक्का हिंदुस्तानी है, बाकी किसी हिंदू को पहचानना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि 3-पीस सूट और टाई लगा के वो अंग्रेजों का बाप नजर आता है। जो कोई हमारे पोशाक से हमें नहीं पहचान सके तो ऐसी इज्जत और ऐसे सम्मान का क्या करें। हमारी भाषा बदल गई,
हम अब अंग्रेजी में बात करते हैं, पढ़े लिखे लोग ज्यादा अंग्रेजी में बात करते हैं, विचित्र विचित्र शब्द बोलते रहते हैं, कहते हो राजीव दीक्षित शी इज माई मिसिस। मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसिस? क्योंकि मिसिस का मतलब नहीं मालूम। मिसिस का मतलब होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी महिला। जी जी एग्रीड सर, एग्रीड। मैं आपको सच बता रहा हूं, जोक नहीं है ये। अंग्रेजों की डिक्शनरी में मिसिस का अर्थ होता है धर्म पत्नी को छोड़कर कोई भी ऐसी महिला जिसके साथ आप चाहे तो एक रात गुजारें, दो रात गुजारें, माने वेश्या और कॉरल गर्ल, वो मिसिस होती है। हम हमारी अच्छी खासी धर्म पत्नी को मिसिस बनाने पे तुले हुए हैं। हो राजीव दीक्षित शी इज माई मिसिस? तो मैं पूछता हूं रियली शी इज योर मिसिस? ओह माय गॉड। और इसका उल्टा है मिस्टर। मिस्टर माने पति को छोड़कर कोई भी पुरुष जिसको आप इस्तेमाल करने के लिए लाए, पैसा देके सवेरे विदा करेंगे, वो मिस्टर। हम अपने धर्म पति को मिस्टर बनाते हैं, धर्म पत्नी को मिसेज बनाते हैं, बिना सोचे समझे अंग्रेजों की नकल करके अपने को अंग्रेजों से बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। बच्चों को बचपन से बड़ा करते हैं, उनको कविताएं भी सुनाते हैं तो अंग्रेजी में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। उन बच्चों को पूछो भैया इसका मतलब क्या है, मालूम नहीं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मतलब मालूम नहीं है। रटा रटा के उसको तोता बना दिया पोपट। कभी कभी कुछ बच्चे आते हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे लिटिल बेबी वॉन्ट्स टू प्ले। फिर मैं उनसे पूछता हूं मतलब मालूम है इसका क्या, रेन रेन गो अवे माने बारिश तुम चली जाओ, कभी भी मत आओ क्योंकि मुझे खेलना है। भगवान ने अगर सुन लिया तो आप बोल रहे हैं रेन रेन गो अवे, बारिश तुम चली जाओ चली जाओ चली जाओ, कभी भी मत आओ। भगवान ने सुन लिया बारिश आएगी नहीं, भूखे मर जाएंगे आप सब। ऐसी उल्टी उल्टी कविताएं क्यों सिखा रहे हैं, रेन रेन गो अवे कम अगेन अगेन अदर डे। तो आप बोलेंगे जी कौन सी कविताएं सुनाए, क्या पंजाबी में कोई कविता नहीं है, हिंदी में नहीं है, मराठी में नहीं है? मराठी की एक कविता मुझे याद आती है, बता देता हूं। ये रे पाउसा तुला दे तो पैसा, पैसा जाला कोटा पाउसाला मोटा, माने बारिश तुम जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी आओ, ज्यादा ज्यादा आओ, मैं तुमको पैसा दूंगा। ऐसी कविता है मराठी की, ऐसी ही होगी कोई पंजाबी में, ऐसी ही होगी हिंदी में, जिसमें बारिश को हम बुला रहे हैं, रेन रेन गो अवे नहीं सिखा रहे हैं, बारिश तुम चली जाओ। हमारा दिमाग पता नहीं कहां चला गया। ऐसी मूर्खता की कविताएं बच्चों को सिखाते हैं, मूर्खता के स्टेटमेंट उनको बताते हैं। बच्चों को बोलना सिखाते हैं, मम्मी बोल, मां मत बोल, मम्मी बोल। मम्मी का मतलब है मरा हुआ, MUMMY, मम्मी माने मरा हुआ, और डैडी, डैडी माने मरे हुए जैसा। और अब और तरक्की हो गई है, अब बोलते हैं डैड, पूरा ही मरा हुआ। कितना सुंदर शब्द है मां, कितना सुंदर शब्द है पिता। तो मां पिता माताजी पिताजी सब छोड़कर मम्मी डैडी मॉम डैड मम्मा, पता नहीं कहां कहां। मम्मा बोलने में गर्व है, अम्मा बोलने में शर्म है। अक्सर मैंने घरों में देखा बच्चों को मम्मा बोलेंगे, कहो अम्मा बोलो शर्माती है। मम्मा का ही कोई मतलब नहीं है, ना अंग्रेजी में है, ना फ्रेंच में है, ना जर्मन में है, ना इटालियन में है, दुनिया की किसी भाषा में मम्मा शब्द ही नहीं है। और हमारे घरों के बच्चे मम्मा 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 मम्मा, और मम्मा भी जवाब देती रहती है, हाँ ठीक है बेटा बोल। मेरा आपको हाथ जोड़कर विनती है, अपनी पहचान को मत डुबोइए। दुनिया में जिनकी पहचान खत्म हो जाती है उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। दुनिया में हर देश अपनी पहचान के लिए लड़ता है, चाहे वो छोटा सा इराक हो या ईरान हो या सऊदी अरब हो या फ्रांस हो या जर्मनी हो या स्वीडन हो या स्विट्जरलैंड हो या डेनमार्क हो, हर देश अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। दूसरे किसी भी देश की गुलामी में जाने को तैयार नहीं है क्योंकि पहचान खत्म हो जाएगी। हम खुशी से अपनी पहचान लुटवाने पर, खत्म करवाने पर तुले हैं। मेरी आपको विनती है कि भगत सिंह जी के शहादत दिवस की पूर्व संध्या पर अपने जीवन में एक संकल्प लें कि हम अपनी पहचान बनाकर रखेंगे। क्योंकि आपकी पहचान चली गई तो फिर आपकी आने वाली पीढ़ी के सामने तो और बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा।
और जिस लोगों के समाज की पहचान चली जाए राष्ट्र भी टूट जाएगा, राष्ट्र भी चला जाएगा, बचेगा नहीं इसमें कुछ भी। इसलिए इस अंग्रेजियत में से डूबे हुए आप सब लोग थोड़ा बाहर आइए, अपने जीवन में छोटे छोटे से कुछ संकल्प लाइए और इन संकल्पों की मदद से अपनी पहचान को आगे बढ़ाइए। आप बोलेंगे हम भारत में रहते हैं तो भारत की पहचान है कुछ, वो पहचान कहां है? भारतीय भोजन, भारतीय भाषा, भारतीय भूषा, भारतीय भजन, भारतीय भेषज, ये सब भारत की पहचान है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां भी संभव हो अपनी पहचान मत खोइए, भारतीय भोजन के स्तर से शुरू करिए, अपनी पहचान वापस लाइए, माने भारतीय भोजन ही अपने परिवार में और अपने जीवन में अपनाइए। ये जो अंग्रेजियत का भोजन है, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, इसमें कहां फंस गए आप लोग? और आप जानते हैं ये पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग सब बनते हैं गाय के मांस से या सुअर के मांस से? लेकिन यहां तो होता ही नहीं है, क्योंकि इसको बनाने वाली जो कंपनी है मैकडोनल्ड और एक है केंटकी फ्राइड चिकन, ये दोनों कंपनियां ओपनली बोलती हैं कि पिज्जा और बर्गर हम बनाते हैं सुअर के मांस से और उनकी जो बनती है ना मैगी और चाउमीन वो बनाते हैं गाय की चर्बी के निकाले हुए रस से। अब एक तरफ आप बोलो गौ माता की जय और दूसरी तरफ खाओ पिज्जा बर्गर या हॉट डॉग या दूसरी तरफ खाओ चाउमीन, तो गौ माता कैसे जय होने वाली है? तो अगर गौ माता की जय करनी है तो ये पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग अंग्रेजी के भोजन बंद कर दीजिए। तो आप बोलेंगे जी क्या खाएं, हिंदुस्तानी भोजन खाइए, कोई कमी तो है नहीं अपने पास। आप कहेंगे जी हिंदुस्तानी भोजन में फास्ट फूड, हिंदुस्तान में सिवई से बड़ा फास्ट फूड क्या हो सकता है? तुरंत तैयार होती है, कम से कम मैगी से तो अच्छी है, दूध में सिवई बना के खिलाइए, खुद खाइए, बच्चों को खिलाइए। पराठा है, पूड़ी है, सब्जी है, रायता है, अचार है, सब्जियां, पता नहीं क्या क्या है हमारे यहाँ। अगर बहुत ज्यादा आपको चाहिए कुछ ऐसी चीज तो दक्षिण भारत के व्यंजन ले लीजिए, इडली है, सांभर है, रसम है, उत्तपम है, जो 10-15 मिनट में तैयार होते हैं। भारतीय भोजन मत छोड़िए। अगर आपने भारतीय भोजन छोड़ा तो क्या होगा? अंग्रेजियत का भोजन आपको मुफीद नहीं आएगा, क्योंकि अंग्रेजियत का भोजन उनके हिसाब से है जहां ठंड बहुत पड़ती है, -20 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तापमान, वो पिज्जा बर्गर खाएं तो उनको चलेगा। आप यहां +20 डिग्री सेंटीग्रेड वाले पिज्जा बर्गर खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हार्ट अटैक आएगा, डायबिटीज होगी, अर्थराइटिस होगा, वजन बढ़ता ही चला जाएगा, थोड़े दिन में आप परेशान हो जाएंगे कि आप क्या करें। पंजाब इस बात का ध्यान रखे, क्योंकि पंजाब हिंदुस्तान में अकेला पहला प्रदेश है जहां जरूरत से ज्यादा वजन बढ़ रहा है लोगों का। हर दूसरा पंजाबी ओवरवेट है इस समय, हर दूसरा पंजाबी ओवरवेट है, और ये ओवरवेट होने का सबसे बड़ा कारण है पिज्जा बर्गर हॉट डॉग कोल्ड डॉग चाउमीन डबल रोटी पाव रोटी जो आपके घर में अक्सर नाश्ते पे खाई जाती है। ये डबल रोटी पाव रोटी आप जानते हैं सबसे ज्यादा तकलीफ देती है वजन बढ़ाने में, माने वजन बढ़ाने में सबसे ज्यादा मदद करती है पाव रोटी और डबल रोटी, मत खाइए इसको। तो भारतीय भोजन करिए, भारतीय भाषा माने पंजाबी आपकी मातृभाषा, इसका सदुपयोग करिए, ज्यादा है तो हिंदी उपयोग करिए और ज्यादा है तो संस्कृत उपयोग करिए, ज्यादा अंग्रेजी में मत फंसिए और फालतू अंग्रेजी तो कभी भी मत बोलिए। दूसरों पर रौब झाड़ने के लिए अंग्रेजी तो बिल्कुल मत बोलिए, क्योंकि ये गुलामों की भाषा है, गुलामी गई, 60 साल हो गया, अभी क्यों उसको याद दिला रहे हैं बार बार अंग्रेजी बोल बोल के। तो आप कहेंगे जी अंग्रेजी तो अंतरराष्ट्रीय भाषा है, ये बिल्कुल झूठ बात है। दुनिया में 200 देश हैं, मात्र 7 देशों में अंग्रेजी चलती है, 193 देशों में उनकी अपनी भाषाएं चलती है। फ्रांस में फ्रेंच है, जर्मनी में जर्मन है, स्वीडन में स्वीडिश है, हॉलैंड में डच है, रूस में रशियन है, जापान में जापानीज है, चीन में चाइनीज है, सब देशों की अपनी भाषा है। और इन देशों में मैं सब जगह देख के आया, उनकी शिक्षा जीवन में छोटे से लेकर उच्चतम सब मातृभाषा में है। आपको मालूम है रूस के सभी मेडिकल कॉलेज रशियन में काम करते हैं, रूस के इंजीनियरिंग कॉलेज में रशियन पढ़ाया जाता है, फ्रांस के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फ्रेंच में पढ़ाया जाता है, फ्रांस के मेडिकल कॉलेज में फ्रेंच में पढ़ाया जाता है, वहां के जो मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशन है वो भी फ्रेंच में पढ़ाते हैं। फ्रांस मुश्किल से 5 करोड़ लोगों का देश है लेकिन कभी भी अपनी भाषा नहीं छोड़ता। हम 110 करोड़ वाले अपनी भाषा क्यों छोड़ बैठे? खुमारी लाइए मन में भाषा के प्रति, भाषा मत छोड़िए, भाषा मत छोड़िए, भोजन मत छोड़िए अपना, भजन मत छोड़िए अपना। भारतीय भजन, ये रैप म्यूजिक पॉप म्यूजिक कहां फंस गए इसमें?
रैप डांस, पॉप डांस, मुझे तो समझ में नहीं आता उसमें डांस है कि एक्सरसाइज है। कभी टांग इधर उठा दिया, कभी इधर उठा दिया, कभी हाथ ऐसे कर दिया, कौन सा डांस उसमें हो रहा है? आपके पास कोई कमी है भारतीय नृत्यों की? भरतनाट्यम है, कथकली है, कुचिपुड़ी है, ओडिसी है, कथक है, कुछ कमी तो नहीं है? इतने अच्छे डांस है। और भारतीय डांस की विशेषताएं जरा समझ लीजिए तो आपको पता चलेगा कि ये कितने वैज्ञानिक तरीके से विकसित किए हुए हैं। भारतीय डांस में सबसे महत्वपूर्ण है पद संचालन, पांव का मूवमेंट, जो दुनिया के किसी भी दूसरे डांस में नहीं। और पद संचालन इसलिए महत्वपूर्ण है कि पद के संचालन से बॉडी का बैलेंस बनता है। भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और थोड़ा कथक में आए, इनकी भाव भंगिमाओं को देखें तो अगर महिलाएं इस डांस को कर रही हैं तो जीवन पर्यंत निरोगी रहने की आश्वस्ति है, गारंटी है। कैसे? भरतनाट्यम की मुद्रा देख लीजिए, पांव को जिस तरह से रखा जाता है, जिस तरह से हमारे देश की माताएं बहनें भरतनाट्यम में अपने पांव को संचालित करती हैं, एक डॉक्टर होने के नाते मैं आपको कहता हूं वो सभी माताओं के गर्भाशय को सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है पद संचालन। और मां का गर्भ स्थान सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि उसी में से जीवन आगे बढ़ता है। वो जितना फ्लेक्सिबल होगा, मां की आने वाली संतान उतनी अच्छी होगी। तो सारे डांस का पद संचालन गर्भाशय के मूवमेंट से है। बहुत रिसर्च है इस पर भारत में। यूरोप का पद संचालन तो पता नहीं किस तरह का है, ये अमेरिका का तो और भी विचित्र है। तो अपने डांस मत छोड़िए, अपने भजन मत छोड़िए, अपनी भूषा मत छोड़िए, अपनी भाषा मत छोड़िए, अपना भोजन मत छोड़िए, अपनी औषधि भी मत छोड़िए। औषधि से मतलब भारत में है तो भारतीय औषधियों का उपयोग करिए, क्योंकि भारतीय औषधियों का उपयोग जो है वो आपके लिए मुफीद है। कारण, हम जहां रहते हैं वहां समशीतोष्ण जलवायु है, इसका ध्यान रखिए। यूरोप और अमेरिका वाले जहां रहते हैं वो वहां बहुत ठंड है, वहां दो ही मौसम होते हैं, ठंड और भयंकर ठंड, गर्मी नहीं आती वहां पे। ब्राजील और मेक्सिको की तरफ चले जाए ना तो वहां भी दो ही मौसम है, बारिश और भयंकर बारिश। ब्राजील और मेक्सिको में 8-8 महीने बारिश होती रहती है, रुकती नहीं है, टॉरेंशियल रेन। तो वहां बारिश और भयंकर बारिश, यूरोप में ठंड और भयंकर ठंड। अगर अफ्रीका में चले जाइए तो गर्मी और भयंकर गर्मी। किसी भी देश में तीसरा मौसम ही नहीं है, ये भारत अकेला देश है जहां 6 मौसम है और 16 क्लाइमेटिक जोन्स है। दुनिया में विचित्र है ये देश। भारत के बारे में तब मुझे ज्यादा पता चला जब मैंने विदेशों में घूमना शुरू किया। भारत में आप दुनिया का कोई भी मौसम देखना चाहें तो इस देश की सीमा में ही है। आपको स्विट्जरलैंड की बर्फ देखनी है, जम्मू कश्मीर में आ जाइए। आपको ब्राजील और मेक्सिको की बारिश देखनी है तो चेरापुंजी में आ जाइए। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का दलदल देखना है तो उड़ीसा और बंगाल में आ जाइए। अगर आपको अफ्रीका का रेगिस्तान देखना है सहारा, तो जैसलमेर में आ जाइए। अगर आपको चिलचिलाती हुई धूप देखनी है तो कर्नाटक में कुर्ग आ जाइए। आपको दुनिया के सबसे अच्छे सुनहरे जंगल देखने हैं तो डेकन के ट्रैप पर आ जाइए। सब कुछ इस देश में है। मुझे यह समझ में आया, दुनिया के 16 क्लाइमेटिक जोन्स इस देश में हैं, बाकी सभी देशों में 2 या 3 ही क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इसलिए शायद भगवान को भी भारत में जन्म लेने की इच्छा रहती है। आप बड़े भाग्यशाली हैं जो भारत में जन्म मिला है, क्योंकि इस देश में ईश्वर भी जन्म लेने के लिए मनुष्य के रूप में आता है, दुनिया के किसी दूसरे देश में नहीं है। मौसम बहुत ही अद्भुत है। जिस देश का मौसम विशिष्ट है उस देश के मौसम में होने वाली गतिविधियां भी विशिष्ट हैं। जैसे हम समशीतोष्ण हैं, समशीतोष्ण जलवायु में वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन ज्यादा नहीं हो सकता। जहां ठंड बहुत है वहां वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन मैक्सिमम होगा। यहां ठंड इतनी नहीं है तो वायरल और बैक्टीरियल इंफेक्शन सबसे कम होगा। और हमारे यहां तो सूर्य का प्रकाश हर समय उपलब्ध है, 24 घंटे में 12 घंटे सूर्य निकलता है इस देश में। तो वायरस और बैक्टीरिया को मारने का तो सारा काम ये सूर्य करता रहता है। तो आप क्यों ये एंटीवायरल इंजेक्शन लगवाते रहते, एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन ठुकवाते रहते, कभी हेपेटाइटिस बी के नाम पर, कभी हेपेटाइटिस सी के नाम पर, कभी पोलियो के नाम पर, कभी किसी के नाम पर। हमारे पास तो सूर्य ही सबसे बड़ा रक्षक है। हमको तो कोई एंटी बैक्टीरियल और एंटीवायरल वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। भगवान ने ही हमारी सुरक्षा व्यवस्था करके भेजी है।
हम अंग्रेजों की नकल कर करके ठुकवा रहे हैं, कभी ये वैक्सीन कभी वो वैक्सीन कभी, और उसी में से दुष्परिणाम आ रहे हैं। और वो दुष्परिणाम है कि आपको जिंदगी में जो रोग कभी होने नहीं चाहिए वो 20-25 साल की उम्र में शुरू हो रहे हैं। अभी 25 साल के लड़के लड़कियों को मैं देखता हूं, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, अर्थराइटिस हो रहा है, घुटनों का दर्द हो गया, कमर का दर्द हो गया। 20-25 साल में ये रोग कहां से आए? क्योंकि आपको जो इंजेक्शन ठोके गए हैं बचपन से, जिनकी आपको जरूरत नहीं है, उनके दुष्परिणाम। तो मेरी आपको विनती है कि भारत में रहते हैं तो भारत की जलवायु को ध्यान में रखकर अपनी चिकित्सा व्यवस्था करिए। तो आप बोलेंगे जी भारत की चिकित्सा व्यवस्था हम तो जानते नहीं है। पढ़ लीजिए, जानने में आ जाएगी। भारत की चिकित्सा व्यवस्था का नाम है आयुर्वेद। यूरोप और अमेरिका की चिकित्सा व्यवस्था का नाम है एलोपैथी। एलोपैथी कोई महान है और आयुर्वेद कोई नीचा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, या आयुर्वेद महान है एलोपैथी नीचे है, वो नहीं कह रहा हूं। भारत के लिए जो सबसे आवश्यक है वो आयुर्वेद है, यूरोप के लिए आवश्यक है वो एलोपैथी है। उनको उनका मुबारक, आप अपना देखिए। तो आप बोलेंगे जी आयुर्वेद का तो अपने को कुछ पता नहीं है। पता कर लीजिए, बहुत आसान है। अभी आयुर्वेद की बहुत सारी पुस्तकें पंजाबी में छप गई हैं, हिंदी में है, मराठी में है, गुजराती में, तमिल में, तेलुगु में, संस्कृत में तो थी ही, अब इन भाषाओं में भी आ गई हैं। तो आप बोलेंगे नाम ही नहीं पता। नाम सुन लीजिए, मैं सुना देता हूं। बहुत अच्छी आयुर्वेद की पुस्तक है जो सब घर में रहनी चाहिए, उसका नाम है अष्टांग हृदयम। पंजाबी में है, हिंदी में है, मराठी में है, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, 21 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। ये घर में रखिए।